मैं कैसे तो मैं इनको क्यों बताऊँ कि मैं तेल मतलब डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ। हमेशा ना एक चीज पे लड़कियों को ही क्यों जज किया जाता है। मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं कहीं और दूर चल जाऊँगा। तो मम्मी बोले ठीक है, तेरे को कहीं और दूर भेज देते हैं। तो भाई भेज दिया मेरे को। इतने अच्छे इंसान ज़्यादा देर रहते भी नहीं है इस दुनिया में, भगवान बुला लेता है। अपनी बेटी की तरह रखा है और उन्होंने मुझे हमेशा एक बात बोली। मेरे को तो आग दिखती है, आग लग गई है भाई। बड़ा यूनिक यूनिक आंसर है ये। नमस्ते, हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक खास कपल हमारे साथ हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है और साथ ही में एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत लोग इन्हें जानते हैं, ये यूट्यूबर्स हैं और आप लोग इनसे बहुत प्यार भी करते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पर बहुत छाए रहते हैं। और इनकी जो वाइफ है स्पेशली, वो रील्स बड़ी बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं ध्रुव और अंजना से। हेलो, वेलकम, कैसे हैं आप सब? हेलो, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने हमें इनवाइट किया और बहुत बढ़िया है, मस्त। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड जब हम एंटर हुए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। काफी टाइम से हमारी बातचीत चल रही थी, करना है, पर आपने फाइनली टाइम निकाला और पॉडकास्ट में आए, तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक तो आपका जो ब्लॉग है उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, है ना? हाँ जी, ये तो है। और सभी को पता है कि आप व्लॉगर्स हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं ऑलरेडी। पर हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत ऐसी बातें जो नहीं पता है उन्हें, ठीक है? तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, है ना? आपने जो यूट्यूब स्टार्ट किया उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ये मतलब फर्स्ट तो अक्षय ने बताया, अक्षय और आपने साथ में स्टार्ट किया था, राइट? एंड लक्ष्य भाई भी थे। लक्ष्य भाई और दो तीन लोग, तीन थे लोग, राइट? तो कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ, माइंड में कैसे आया? माइंड में एक तो लॉकडाउन का टाइम था और साथ में एक इंसिडेंट, मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और साथ में जो अपने अक्षय भाई का भी थोड़ा इंसिडेंट हो गया था, वो पॉलिटिक्स में थे तो उस वजह से तो बैड फेस था, तो वो आगे चंडीगढ़ हमारे साथ, तो वहीं से तीनों का इंटरेस्ट बन गया। जब होते हैं ना, जब तीन लोग बन जाते हैं, टीम बन जाती है, तो उसके तीनों का इंटरेस्ट था, चैनल बन गया। तो फर्स्ट वीडियो मेरे ही घर पे शूट हुई थी वो, और अच्छा। हमें खरीदनी थी मेरी कार i20 जो मैं लेके आया हूँ, तो उसी के थ्रू फिर सबका इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे हम यूट्यूब पे ग्रो करते रहे, धीरे धीरे न्यू वीडियोज, अपना बॉन्ड दिखाना शुरू किया। फिर कोविड कंप्लीट हुआ तो कोविड के बाद सब अलग अलग हो गए, जैसे लक्ष्य भाई गुड़गांव चले गए, फिर बचे मैं और अक्षय भाई। तो फिर वीडियोस तो बनानी थी, अब ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्य भाई गुड़गांव से डाले, हम यहाँ से डाले, तो थोड़ा सा ना टीम वर्क में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। बट कोई बात नहीं, चैनल बनाया है, इंटरेस्ट है तो इसको आगे तो चलाना ही। तो फिर धीरे धीरे मैं और अक्षय भाई ने यूट्यूब जर्नी कंटिन्यू करी। विद टाइम हम धीरे धीरे ना ये हुआ कि हमारा एक टाइम ऐसा आ गया कि अक्षय भाई को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको भी जाना पड़ा, और फिर अब मेरे को भी अब देखना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर माय मॉम डेथ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और थोड़ा सा ना स्ट्रेस आउट था। बट यूट्यूब की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, मैं आज कॉन्फिडेंटली बोल भी पाता हूँ और मेरा जो इंटरेस्ट है जो कंटेंट क्रिएशन के पीछे है वो मैं परस्यू कर पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। अच्छा, ये तो चलो YouTube की बात हमने सबसे पहले इसलिए की क्योंकि आपको लोग जो है वो स्पेशली YouTube की वजह से ही जानते हैं। पर इंडिविजुअली अगर हम बात करें आपके बचपन की और आपके बचपन की, आप दोनों अलग अलग ही, आपका जन्म हुआ अलग अलग ही, आपकी परवरिश हुई अलग अलग ही, सब कुछ रहता है, तो बचपन में किस तरह की थी अंजना, आप बताओ? एक्चुअली मेरा मतलब कैसे थे, जैसे अभी है कि बहुत एकदम शरारती टाइप, बहुत शरारती, टीचर भी परेशान, मम्मी भी परेशान, घर वाले भी परेशान, और मेरे को बोलते थे ना कि मेरी बुआ वगैरह जीती हुई कि यार इसकी शादी कैसे कराएंगे। मतलब क्या, मतलब ये इतनी शरारती, और काम वाम में मम्मी का नहीं होता था कि ठीक है तू काम वाम, मेरे घर में ऐसा होता था मैं और मेरा भाई है और मेरे भाई ने सारा काम किया, जो लड़कियों को काम करवाते हो मेरे भाई को करवाया, जैसे घर का काम, हमारी गाय वगैरह तो उनकी मिल्किंग वगैरह सारा मेरा भाई करता था।
तो और मेरे को बताया था तू पढ़ाई कर, मम्मी कैसे होता था कि तू पढ़ाई कर जॉब करेगी मेरे लिए है ये, इससे मैं सारा काम करा लूँगी. तो मेरी बुआ वगैरह को ये होता था ये लड़की है इससे काम करवाओ इससे मत करवाओ. तो ये बहुत मैं अपने मम्मा और भाई का बहुत ये करती हूँ कि उन्होंने उस टाइम ये लिया कि मेरे भाई ने जब मेरे को नर्सिंग में एडमिशन लेना था तो उसने बोला कि मैं ड्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि मम्मा बीमार होते थे तो मेरे जो पापा है वो जॉब करते हैं तो मम्मा बीमार होते थे तो घर पे कोई नहीं था. तो उस टाइम था कि दोनों में से एक ही जॉब मतलब पढ़ाई कर सकता था. तो मेरे को ऐसा था कि हॉस्टल जाना है, हॉस्टल में रहना है, मतलब नर्सिंग में अलाउ नहीं है ऐसे आप घर से करो. अच्छा आपने नर्सिंग की है? हाँ जी शिवालिक से. और आप कहाँ की रहने वाली है? मैं बेसिकली गुठान से हूँ. गुठान से सुना है आपने? गुठान शिमला में ही है. ठियोग में. बतियाना सुना है आपने? हाँ जी हाँ जी. पार्क को जो वैली पड़ी वो गुठान वैली है. वैसे गुठान बहुत फेमस है हमारे डूम नानियों की वजह से. डूम देवता वहाँ से है गुठान से. तो उस वजह से तो वो था. तो उस टाइम मेरे भाई ने ये पढ़ने का शौक दोनों को था हमारा. बट बोलते हैं ना कभी कभी आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ते. तो अंकू ने डिसाइड किया कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ तू पढ़ ले. तो तू पढ़ ले तू जॉब कर ले मैं सब देख लूंगा. तो उस वजह से ना बेचारे को मेरे को बड़ा दुख होता है कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि एक को घर पे रहना बहुत जरूरी था दैट टाइम पे. मतलब सेक्रीफाइस उन्होंने किया बहुत किया है और इसका मैं मतलब पूरी जिंदगी भी शायद नहीं क्योंकि उसको भी बहुत बहुत इंटरेस्ट था और वो मेरे से काफी अच्छा था पढ़ाई में. मतलब मेरे को ऐसा आता था कि वो मुझे भी पढ़ाता था बट एक जब डिसीजन लेना होता है ना तो उस टाइम उसने काफ़ी वो सोचा कि मम्मी को था कि मैं एक ही बच्चा पढ़ा सकती हूँ क्योंकि उस टाइम मम्मी बहुत बीमार हो गए थे हमारे ना. काफ़ी बीमार हो गए थे एडमिट थे लाइक बहुत ज़्यादा सी सिचुएशन आ गई थी. तो बोलते भी थे गाँव वाले यार ये लड़की इसको काम वाम क्यों नहीं सिखाते कर लिया कर क्या ऐसे मतलब क्या अफसर बना लेते उस टाइम होता है ऐसा. तो मम्मी का था नहीं यार इसको पढ़ाना है. तो फिर उस करके मेरे मतलब वही होता है ना यार भाई बहन देखो आपके भाई ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया तो स्ट्रेंथ था आपके लिए कहीं ना कहीं. आपका भाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए सबके लिए अपने भाई बहन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. और ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो और ज्यादा ऐसे लगता है कि यार कितना कुछ हमारे लिए हमारे भाई बहन. उसके बाद जो भी पढ़ाई में डिफिकल्टी आती ना तो मैं हमेशा ये सोचती थी यार मेरे भाई मम्मी ने ना बड़ा सेक्रीफाइस किया है पढ़ना पड़ेगा पढ़ना ही पड़ेगा. मैं मतलब कई बार नाइट शिफ्ट कर लिया और जॉब ऐसी कर ली ना मैंने नर्सिंग में घुस गई मैं. उस पर ज्यादा मेरे को ना सोना बहुत पसंद है तो मेरे को नींद ऐसी ध्रुव को हंसी आ रही है सोना इसका फेवरेट है. और जब वो ऐसा हो गया कि भाई सुबह जल्दी उठना नाइट शिफ्ट होती है भाई मेरे रो मैं इतना रोई हूँ और मैं मम्मी को नहीं बता सकती थी. मम्मी ऐसी कि तेरे को भेजा भी और अब मैं मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी. बोल नहीं पा रहे ना अपने पास एक तो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस हुआ है और ऊपर से आपको पता भी है. कुछ लोग होते हैं ना सेक्रीफाइस नहीं पता होता ऊपर से पता है तो ज्यादा स्ट्रेस हो गया. मेरी स्टडीज गवर्नमेंट स्कूल से हुई है तो मेरे को ना थोड़ा स्टडीज में भी बहुत डिफिकल्टी आ रही थी. मतलब इतनी नहीं पर काफी हो गया था क्योंकि मैं पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा नहीं थी. ये मेरे को ऐसा था कि मुझे करना है यार अगर मेरी मम्मी और भाई ने सोचा है कि तू जॉब कर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन तो मेरे को बनना है मेरे को करना है. और वो मेरे को प्लस टू तक नहीं था प्लस टू तक जैसे होता ना बच्चा चल रहा था उसके बाद जब मैं जितना बड़ा होते जाते ना उतना मेरे को लगा शायद मेरे को बनना है करना है थोड़ा इनका हेल्प भी हो जाएगा और फिर कर लिया चल रहा है काम. ओके अच्छा ध्रुव आप बताओ मुझे कि आपकी जब आप छोटे थे बचपन में तो क्या कुछ अच्छा लगता था और फोकस था पढ़ाई पे जैसे कि अंजना बता रहे हैं कि मुझे नहीं था ये तो ये इसलिए कि घर वाले बड़े ज़्यादा है उम्मीदें घर वालों को. मेरे को यार पढ़ाई में शौक तो पहले से था जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर. मतलब मेरे को कुछ मतलब जो मेरी हैंड राइटिंग है ना वो मेरी मम्मी ने कर्सिव राइटिंग मुझे सिखाई थी बचपन में हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना. और सुबह 5 बजे उठा देते थे मम्मी चल भाई पढ़ाई कर. मतलब अर्ली राइजर था और जल्दी सोना ये पूरे असूल बनाए हुए थे मम्मी ने मेरी ज़िंदगी में कि ये चीज़ें आपको करनी है. और पढ़ाई में ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स आपको जैसा गाइड करते हैं और अगर आपका बच्चा वैसे ही फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई में अच्छे हो गए होगे. तो मेरा ऐसा होता था कि थर्ड या फोर्थ की बात है मेरे एक मार्क्स कम था. भाई मम्मी बोली तेरे एक मार्क्स कम कैसे है भाई फुल मार्क्स आने चाहिए. तो बस यही एक डेडिकेशन के साथ मेरी टेंथ भी अच्छी रही. मैं 10 CGPA आया मेरा 10th में 12th भी सही रही. उसके बाद भी करियर जो चूज़ करवाया वो भी मेरी मम्मी ने करवाया. तो शी वॉज लाइक कि इंजीनियरिंग करेगा. तो मेरा ये था कि मुझे चंडीगढ़ में तो नहीं करनी है क्योंकि प्लस वन प्लस टू के बाद ये था ना कि मेरे को चाहिए पर्सनल कार. शौक होता है ना चंडीगढ़ में जो रहता है लड़कों को ज्यादा. हाँ तो पर्सनल कार चाहिए वरना मैं यहाँ पे नहीं करूँगा मैं कहीं और दूर चल जाऊँगा.
तो मम्मी बोले ठीक है तेरे को कहीं और दूर भेज देते हैं। तो भाई भेज दिया मेरे को हैदराबाद। मेरे को लगा था कहाँ भेजेगी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बट रियलिटी होती है कि उन्होंने मेरे को भेज दिया। और उसके बाद 4 साल मैं वहाँ रहा। ये अच्छे पल भी बोल सकते हैं, बुरे पल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 साल अपने पेरेंट्स से दूर रहना ऐसी जगह में, मतलब साउथ इंडिया थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि वहाँ के लोग और उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, तो वो थोड़ा सा वाइब मैच करना मुश्किल हो जाता है। बट यही है ना, जब आप हार्डवर्क करते हो, डिफ़िकल्टीज फेस करते हो, तो आप विद टाइम अपने आप को इम्प्रूव करते हो। और स्टडीज़ में मेरा फिर अपना कॉलेज में भी ये था कि कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, ले तो लिया कि भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, और हैदराबाद तो वो आईटी हब है बेसिकली। फिर फर्स्ट ईयर कट गया, फर्स्ट ईयर में तो मज़े ही मारता है हर एक बंदा, सेकंड ईयर में आके लगता है कि यार भाई घर वालों का डंडा पड़ रहा है, भेजा है पढ़ने के लिए, तो मौज मस्ती छोड़ दो। फिर सेकंड ईयर भी बीत गया, फिर थर्ड ईयर में जब प्लेसमेंट के लिए आने शुरू हो जाते, फिर लगता है ओहो यार हम तो रह गए। पर टचवुड मेरा ऐसा था कि मेरी एक भी सप्ली नहीं आई। ओके। और लकीली जॉब भी मिल गई, तो हैदराबाद में मैंने जॉब करी है। उसके बाद कोविड टाइम आ गया, कोविड टाइम में फिर हम वापस आ गए चंडीगढ़, और मम्मी की तबीयत भी कोविड टाइम में ख़राब थी, तो फिर उसके बाद फिर मेरे को अपना चंडीगढ़ में जॉब मिल गई थी पंचकुला में, तो वहाँ पे मैंने सिक्स मंथ्स बेसिकली जॉब करी। और मॉम की तो डेथ हो गई थी, मतलब जब मैंने सेकंड जॉब स्विच करी थी। कि आपके मदर की बीच में बीमार हो गए थे, तो क्या हुआ था आपकी मदर को? यार एक्चुअली ये चीज़ हुआ था, मेरी मदर को हुआ था डेंगू। ओके। डेंगू के बाद वो उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डेंगू की दवाइयाँ कुछ असर कर गई लीवर पे, तो उसकी वजह से और दिक्कतें और बढ़ गई, मतलब उनको अर्थराइटिस हो गया, फिर धीरे धीरे उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, फिर यही है आपका इम्यून सिस्टम जब खराब होना शुरू हो जाता है तो बॉडी जवाब दे ही देती है। आप उस टाइम उनके पास ही थे या कहीं बाहर? मैं जब ये वाला सिनेरियो हुआ, देखो जब दो बारी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुए, एक बार जब मैं मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, थर्ड ईयर के थे शायद, और मेरे को पापा ने बिल्कुल नहीं बताया कि मम्मी की तबीयत ऐसे ख़राब है। मेरे को ये पता है बीमार है, पर ये नहीं पता कि शी इज़ इन हॉस्पिटल, और पापा अकेले ही पूरा मतलब हॉस्पिटल में, क्योंकि पापा और मम्मी वहाँ पीजीआई में थे, क्योंकि क्या हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करते तो है, खर्चा भी होता है, बट जो पीजीआई में है पूरा रिसर्च के साथ आपका ट्रीटमेंट होता है, अगर उन्होंने एक मेडिसिन भी देनी है तो आपको पूरा टेस्ट हो गया हर एक चीज़ के। तो वही बस मेरे को नहीं बताया कि ये मतलब मम्मी की तबीयत ऐसे ख़राब है। और फिर जब मैं वापस आया, मतलब मम्मी की हालत ऐसी थी, मतलब उनको देख ऐसे लग रहा था कि यार वो बच भी पाएंगे कि नहीं, बट मेरे पापा रियल ग्रेट हीरो, मतलब भगवान है मेरे लिए, तो उनकी वजह से मम्मी उस टाइम बच गए। और फिर मम्मी का ये हमेशा से शौक था कि भाई मेरे को अपने बच्चे के साथ रहना है, ऐश करनी है, घूमना फिरना है, बहुत शौकीन थे, मतलब पूरी दिलाइक फैमिली में सबसे मतलब अलग पर्सनैलिटी, वैसी पर्सनैलिटी ना पूरे परिवार को जोड़ के रखना, हर एक को पूछना, मतलब उनकी बहुत ग्रेट क्वालिटीज़ थी। तो वो इतने अच्छे इंसान ज़्यादा देर रहते भी नहीं है इस दुनिया, भगवान बुला लेता है। पर यह है कि विद टाइम बीता गया और आज हम मतलब YouTube में पहुंच गए, क्योंकि लाइफ में एक फेज तो आता ही है। जब मॉम गए उसके बाद तो मेरे को ऐसा था कि यार बस अब तो कुछ है ही नहीं, पूजा करनी भी छोड़ दी, पूजा करता था मैं सुबह शाम, नफरत हो गई यार, मतलब ऐसा लगता था भगवान क्या है यार, राइट। बट विद टाइम जब पता चला कि यार भगवान भी है यार, ये रियलिटी है, कृष्ण भगवान भी नहीं रोक पाए मौत तो, तो फिर ये चीज को समझ आई और फिर मेरे को भगवान से दोबारा कनेक्शन बना। पहले स्पिरिचुअल थे आप? स्पिरिचुअल तो मैं पहले से, क्योंकि मेरी मम्मी का असूल ये पूजा पाठ के संस्कार दिए हुए है, और हर एक चीज का मतलब एक बढ़िया डिसिप्लिन बनाया हुआ है मम्मी ने। पर वही है ना यार, अब जो आपके पेरेंट्स ने आपको चीजें सिखा दी है ना, वो चीजें आप आगे कंटिन्यू करते हो, अपनी आने वाली जनरेशन को भी देते हो, राइट। पहले मैं सोचता था इतनी पूजा पाठ क्यों करवाते हैं यार क्या है, बट अब वैल्यू समझ आती है। तो क्या होता है, तभी बोलते हैं जब आप बड़े हो जाते हो तो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, और एक्सपीरियंस होने के बाद आप फिर उस चीज़ को फिर समझते हो कि यार मैं इस टाइम पे ये गलत था। तो वही ना, अभी गलतियों से सीखता है इंसान। ओके,
तो ये जैसे आपने बताया कि ये फेज़ आपकी लाइफ में बहुत ही मुश्किल वाला रहा, और नो डाउट किसी की भी लाइफ में रहेगा, अपने पेरेंट्स से अलग होना बहुत ही मुश्किल होता है। और जैसे आप बता रहे थे कि भगवान से भी विश्वास उठ जाता है, नॉर्मल है क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता ऐसा कुछ भी हो जाएगा लाइफ में, तो वो सब लाजमी होता है। और भगवान ना करे कभी भी किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हो इतनी जल्दी, जब क्योंकि जाना सबने एक दिन है, पर कोई ऐसे ना जाए। मतलब यार शौक थे उनके बहुत सारे, जो मेरे को मतलब लगता है कि यार काश कर लिए होते उनके वो शौक पूरे। उस टाइम मैं भी नया नया जॉब लगा हुआ था, और चलो अब भी टाइम है। अब देखो इस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए मैंने तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि सोचा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कभी वो थे। अगर अब मैं ऐसा सोचूंगा कि वो थे, अगर मैं उनके बारे में कुछ भी सोचूँ ना, अभी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ना अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि यार इमोशनल हो ही जाता है इंसान, क्योंकि जिससे आप कनेक्टेड होते हैं, लड़का और लड़की हो, अपनी माँ से तो हर एक बंदा कनेक्टेड होता है, बाप से भी, बट मदर से बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा था और हूँ भी अभी स्टिल, पर यह है कि उसके बाद भी मेरे को अब इतनी स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि भगवान अगर कुछ छीनता है ना तो आपको कुछ देता भी है इन रिटर्न, तो ये चीज़ तो मेरे को मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। फिर बाकी तो मेहनत करना तो सिखाया घर वालों ने, और खुद भी अब है एक, मतलब भी मैं एक अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मेरा ये कि अगर कोई काम करना है तो प्रॉपरली करना है और पूरा करना है, अच्छा आधे में नहीं छोड़ना। हाँ जी। अच्छा आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो शायद शिमला में ही आप पढ़े हैं, मामा के घर पे ज़्यादा ही क्लोज है आप, है ना मामा से? हाँ जी, तो मामा के साथ हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, और मतलब बचपन भी मेरा मतलब अपने मामा के मतलब बच्चे हो गए उनके साथ बीता है, और रिलेशन वाइज भी बहुत मतलब बढ़िया है। क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था? नहीं, मामा से मामा आपका था कि आप ना मोस्टली क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि आपके जो मामा जी हैं और आपके मामा घर जो हैं वो चौपाल में हैं, तो मोस्टली आप जब वीडियो में दिखते हैं आपके कजन साथ में होते हैं, मामा के घर का सब कुछ देखा जाता है, कनेक्शन बचपन से ही यहाँ पे रहना इस वजह से हुआ क्या? क्या कुछ है रीजन बिहाइंड बीइंग की पहले से मतलब छोटे छोटे थे हम सारे ना, मतलब जैसे ज़्यादा गैप नहीं है हमारे बीच, थोड़ा थोड़ा गैप है, तो बचपन से साथ में रहे हैं, खेले कूदे, और मम्मी भी मम्मी के साथ जाना, और मम्मी तो अपने घर वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यार मतलब होता है ना हर एक लड़की, जैसे अंजना है, अंजना का भी गुठान से ले बहुत प्यार है, जैसे इसको पता चलता है कि भाई गुठान जाना है, भाई लड़की दो दिन पहले इतना खुश मेरे से ज्यादा एक्साइटेड ही होता है, है? मैं तो इसलिए होता है क्योंकि सेवा बढ़िया होती है भाई। तो मैंने पकवान खाने को मिलेंगे, ससुराल में जाना किसको अच्छा नहीं लगता है, राइट राइट। और इवन मतलब अंजना की माँ मतलब मेरी सासू माँ वो तो बहुत ज्यादा टेक केयर करते है, तो मतलब उनके साथ तो मुझे ना ऐसा लगता है की मतलब मम्मी वाली मम्मी की उनको फील होता है कि बेचारे की जैसे मॉम नहीं है, तो शी यूज टू टेक केयर इतना अच्छे से ना, बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप ये बोल रहे थे कि कैसे बॉन्ड है, बॉन्ड ये कि बचपन से हम साथ रहे हैं, अपने जितने भी भाई बहन हैं, और जितना भी सुख दुख के हमने बांटा है, और हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल इतना ब्रॉड बना नहीं कभी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे घर में इतने सारे कज़न्स हैं जो सेम एज ग्रुप के हैं, तो वाइब मैच हो जाती है सबकी, सेम जब सेम इंटरेस्ट होता है आपका तो ऑब्वियस ही बात है कि आप वाइब मैच करोगे और आप साथ कंपनी एंजॉय करोगे, फिर तरसोगे कि भाई कब वापस मिलना होगा। पर आपका बड़ा अच्छा लगता है यार वीडियोस में ना, मैंने शायद अक्षय वाले पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि जब आप लोग मिलते हो फैमिली डिनर्स होते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे लोग होता है ना कि एक लोगों की जरूरत है, फैमिली इतनी है कि एक गांव तो इकट्ठा ही हो जाता है ना, मतलब इतनी ज्यादा फैमिली, मतलब अगर कोई पार्टी भी करनी है अपनी फैमिली वाले बुला लो, काफी हो जाते हैं, काफी हो जाते हैं, और बाहर का खाना नहीं खाते, घर का खाना, घर का खाना बनाते हैं, और इतने अच्छे अच्छे शेफ्स हैं वहाँ पे, है ना, वो बात कर रहे थे उनकी चाची बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो तो अल्टीमेट। बट मैं सीरियसली बोलूं ना, हमारी भी कजन्स हैं, हाँ जी, मामा के बच्चे इनके बच्चे कहाँ इतना होता है, कनेक्शन नहीं होता, मैं बस वही बात है, बट इनकी बॉन्डिंग इतनी, मैं सच में बोलूं मैंने नहीं देखे ऐसे कजन्स, जो भी है जैसे लड़ते हैं, जो भी होगा, लड़ाई झगड़ा तो जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई झगड़ा तो होना ही है, प्यार है सबके बीच, बहुत प्यार है, और वो दिखता है, सब एक दूसरे की केयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सही बात है। अब मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल वैसे ही दूंगा अपने, मतलब जो जैसे लक्ष्य भाई है बहुत ज्यादा मतलब मेरी केयर करते हैं, अक्षय भाई भी बहुत, मासी के बेटे हैं, हाँ जी मासी के बेटे हैं, तो जैसे लक्ष्य भाई भी सिंगल चाइल्ड है, मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ, तो हमारा एक तो यही बन गया बॉन्ड, तो
एक मतलब जैसे ना एक बड़ा भाई केयर करता है ना, बिल्कुल वैसे केयर करना. इवन अक्षय भाई भी ऐसे ही है, बाकी तो मेरे एज ग्रुप के है, पर बड़े भाइयों में मैं बोल रहा हूँ, इवन ज्योति का दीदी भी बहुत ज्यादा केयरिंग है. जब भी मतलब हम मिलते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना मिलके, बॉन्ड काफी मतलब अच्छा है. और सही टचवुड ऐसा ही रहे हमारा सबका, और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे ना न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, सब अपने अपने में रहते हैं. तो मेरा ये मानना है कि जितना हो सके अब आपकी फैमिली में प्यार बना रहना चाहिए, क्योंकि बुरे टाइम में ना फैमिली साथ काम आती है. पर मोस्टली हम ना आपके कमेंट्स देखते हैं जब, तो उसमें लिखा होता है कि आपके मामा वाली फैमिली तो हमेशा यूट्यूब पे दिखती है, पर आपके पापा वाली फैमिली नहीं दिखती. तो इस पे क्या जवाब है आपका? इस पे जवाब ये है कि मम्मी और पापा की जब शादी हुई थी तो आप सबसे पहली बात तो कल्चरल डिफरेंस, पंजाब हिमाचल, आप चंडीगढ़ से हैं. हाँ जी, तो ये डिफरेंस था. तो मम्मी मेरे मम्मी और पापा की लव मैरिज हुई है, तो उनके साइड मतलब जो पापा वाली साइड है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था. तो फिर इस वजह से फिर मेरा भी बचपन से कुछ मतलब है, ऐसे नहीं हम जाते हैं उनसे मिलते हैं, पर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि रोज़ हमारा गेट टुगेदर हो रहा है. कभी जैसे वंस इन अ वाइल मिल गए मतलब. और अपना जो मम्मी वाली साइड है वहाँ पे तो है ही है. और अभी भी देख लो, अगर आप ये चीज़ देखते होगे आफ्टर माय मॉम आल्सो, मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ अपने एंड से. बेशक कोई खुशी हो कोई गम हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे मतलब मेरी मम्मी वाला प्यार मुझे वहाँ से मिलता है. राइट, आपके मामा की. हाँ जी, तो मतलब जैसे नानी होते कई बार तो मैं और नानी बैठे हैं, तो मैं अंजना घर में, नानी अंजना ना मेरे को ऐसा बोल रही है, नानी हाँ मेरे बेटा धोते हुए ऐसे नहीं बोल रहे हैं. नानी की थिंग है कि नानी ना हफ्ते में इसको एक बार तो जरूरी कॉल करेगी, वो जैसे मर्जी है. नानी को हमेशा इसका पूछना था तो ठीक है ना सब, मतलब मुझे भी बहुत सुना है नानी, ध्यान रख रही है ना इसका मतलब. तो मतलब नानी तो एक अलग ही है ना, नानी की तो बात सारे बहुत अच्छे है. वो तो एक पर नानी के साथ फिर ऐसा है ना आपका बॉन्ड, क्योंकि आपके मदर की वजह से भी. अरे मम्मी से भी बहुत प्यार करते थे नानी, अभी भी बोलते हैं कि एक वो ही थी जो मेरे को फोन करती थी 24 घंटे. मतलब ऐसे मम्मी सुबह भी करेगी शाम को भी करेगी, पूरा ध्यान रखना. और मतलब मम्मी नानी को अलग अलग ट्रिप्स में भी लेके पापा के साथ, जैसे अपना वृंदावन, अपना ताजमहल, मतलब ना घुमाना फिराना, मतलब वो ये होता है ना बुजुर्गों के लिए किया जाता है, तो वही संस्कार हमें भी मिले आगे. तो वही हम चाहेंगे हमारी आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन हो. राइट, बाकी तो चल रहा है बढ़िया ठीक है. अच्छा, अंजना की एंट्री जब होती है लाइफ में तो वो तो बड़ा अमेजिंग होगा वो पल, है ना, कि आपको एक उससे पहले भी अफेयर रहा है. मतलब मेरा ये है कि मैं सिंगल कभी रहा ही नहीं हूँ जिंदगी में. मतलब सिंगल रहा भी होगा तो ये होगा कि हार्ट ब्रेक हो गया है. अब थोड़ा 2-3 महीने बंदे ने होता है ना कि ब्रेक ले ली फिर या फिर मूव ऑन कर लिया. Okay. तो ये है कि पहले भी रिलेशंस रहे हैं. अंजना को गुस्सा आ रहा है. नहीं गुस्सा तो क्या आएगा, अच्छा हम फ्रेंड्स हैं सच बोलूं मैं बेसिकली. तो मेरे को अगर ये सोचना पड़े कि भाई मैं इसके सामने कैसे बात करूं, तो वो रिलेशनशिप इज नॉट अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपके दिल में जो बात है आप बोल पाओ खुल के. तो अब आते हैं लव स्टोरी पे, लव स्टोरी नहीं सॉरी रिलेशनशिप्स पे. तो स्कूल वाला प्यार से शुरुआत होता है. जब स्कूल वाला प्यार होता है तो उस टाइम तो बड़ी नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है. हाँ. आपको मतलब आप 24 घंटे बस वही सोचते रहते हो, यार उससे मिलेंगे ऐसे करेंगे, इसके लिए चॉकलेट ले जाते हैं, इसके लिए वो कर लेते हैं. तो स्कूल वाला प्यार में पॉकेट मनी होना हो, उसके लिए पैसे. अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं लक्कड़ बाजार में था तो मैं पैदल जाता था, बस का किराया बचाता था कि भाई गिफ्ट देना है. ओह सो स्वीट. अंजना आपको देते गिफ्ट की नहीं, गर्लफ्रेंड्स को देते थे. एक्चुअली जब मैं इसकी लाइफ में आई हूँ ना, तो इनका कुछ गिफ्ट देना कुछ ज्यादा ही था. मैं कहा मैंने तो दिए नहीं किसी को, मैं नहीं देती थी. नहीं यार ये चीजें बट विद टाइम आती है. बहुत ज्यादा था एक्चुअली. ये बहुत ओपन है अपने पेरेंट्स के साथ भी. तो ऐसी मुझे एक चीज सुनने को मिली थी
कि एक गर्लफ्रेंड को ध्रुव ने अपने मतलब गोल्ड इयररिंग्स दे दिए, तो मैं ऐसी चिढ़ गई, मैं पापा को शाम को आके बोल दूं क्या पापा गोल्ड इयररिंग्स दे दिए गर्लफ्रेंड को, मैं वही परेशान हूँ, मैं कह यार हमारे कोई चांदी की ना दे गोल्ड दे दी, और मैं पापा को बोलूं कि पापा यार आपका बेटा बड़ा खतरनाक है, बड़ा मतलब ऐसे ओपन रखा था कि गोल्ड इयररिंग्स दे, हमेशा से ऐसे ही रहे, उसने गोल्ड इयररिंग्स दे दी, मैंने पापा को ऐसे बोले, पापा बोले हाँ मैंने ही दिलाई थी, रिलेशनशिप में तो शायद इसी के साथ फ्यूचर है, तो क्या होता है फिर उसकी लॉयल तो मैं हर एक मैं ही मिली एंड में तो डेस्टिनी से मिल गई ना मुझे okay. फिर स्कूल वाला प्यार हो गया कंप्लीट, ये बता दिया इसने, उसके बाद अपना कॉलेज वाला प्यार, कॉलेज में भी ऐसा हुआ कि एक मिली वही रही, फिर अच्छा फिर उसके बाद फिर हो गया लॉन्ग डिस्टेंस हो गया क्योंकि अब कॉलेज यहाँ है वो यहाँ, फिर और होते हैं प्रॉब्लम्स, कल्चर डिफरेंस एंड ऑल, फिर अंजना ऑल ऑफ द सडन मिल गई। अच्छा वो कैसे मिली? अरे फेसबुक के थ्रू भाई, सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, गर्ल्स वहां मिल जाती है आपको क्योंकि नहीं कई बंदे ना बहुत शाही होते हैं, जो फूल के जो कोई भी चाहता है कि गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी तो फेसबुक पे आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, ध्रुव ने कहा है कि लड़कियां वहीं पे मिलेंगी वो भी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि बंदे ना शाही होते हैं कि कैसे अप्रोच करे, ऑब्वियसली यार एक ना अननोन लड़की से बात करना भी बहुत बड़ा टास्क है, हिम्मत आपके लिए तो नहीं रहा होगा ध्रुव, ये तो गलत बात हुई ना, आप तो सिंगल रहे नहीं पूरी लाइफ, आप तो बोल रहे मैं तो डबल रहा हूँ, ये सोचो ना अगर मैं सिंगल नहीं रहा तो, बट रहा तो मैं एक दो के साथ ही हूँ। अच्छा मतलब ऐसा नहीं ना कि बहुत सारी लड़कियां दो से भी बात करी तो इतने टाइम रहे, सोचो ना जिनके पास बहुत सारी होती है उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मैंने तो दो तीन चार जितनी भी रही है जिंदगी में, दो तीन चार एक बताओ, दो की तीन की चार अभी ज्यादा नहीं, चलो दो दो, अंजना शाम को खाना नहीं देगी फिर। हाँ जी तो क्या पूछ रहे थे, क्या बोल रहे गर्लफ्रेंड तो फिर उसके बाद अंजना मिली है, अंजना से आए थे फेसबुक पे थे हम, तो फेसबुक अच्छा इसलिए मेरे को लगा उस टाइम पे क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हमने कनेक्ट किया एक दूसरे से, फिर वैसी ही बातचीत हुई, एक बार हम मिलने आए और फिर मीटअप हुआ हमारा अच्छे से। अच्छा जब आपने पहली बार अंजना को देखा तो आपके जहन में सीधा ये ख्याल आया कि मेरे को शादी करनी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डेटिंग भी क्या, हम फ्रेंड्स थे, जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हम कभी रहे ही नहीं, सच बताऊं मैं, हमारा ऐसा रहा है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स है और हम एक दूसरे की कंपनी मतलब हम इंजॉय करते हैं। अच्छा अंजना जब आप पहली बार मिलने गई थी ना इनसे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली हुआ ये था, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, इनका फेसबुक पे मेरे को मैसेज आया हुआ था तो मैं देखा नहीं, फिर एक बार क्या हुआ कि फिर ना एक दिन ना मेरे को इनका ब्लॉग शो हुआ यूट्यूब पे, मैं देखती नहीं थी, फिर मैं ये लड़का दिखा दिखा लग रहा है, दूसरा वाला चश्मे वाला, पहले तो दोनों ही चश्मे से है, मैंने स्पेक्स वाला है, फिर मैंने देखा फेसबुक पे, मैं ये ना मैंने देखा, मैंने ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली, तो जब मैंने एक्सेप्ट करी तो ऐसे इनका ऐसे हेलो हाय ऐसे करके, तो आपने सोचा ये तो दूसरे चश्मे वाला है? नहीं, ये ही था, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसमें डीपी भी आती है, मैं देखी तो है, तो फिर मैंने ऐसी नॉर्मली बात कर ली, तो मैं साथ में अपनी एक फ्रेंड को ले गई ज्योति को, मैं कहा ऐसे यार एक लड़का मेरे को ऐसे अच्छा लगा, दिखते ज़रा मिलते हैं ऐसे, मेरे को इनोसेंट सा लगा काफ़ी, तो जब मैं ध्रुव से मिली तो ये जब मैं मिली तो मेरे को बड़ा अटपटा लगा सीरियसली, मैं कहा ठीक है यार मेरी वाइब्स मैच नहीं हुई अभी, फर्स्ट मीटिंग में ऐसा नहीं था, हम दोनों का ही नहीं था ऐसा फर्स्ट मीटिंग में कि ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा बात नहीं की, खुल के बात नहीं की, हेलो हाय दैट सेट ज़्यादा नहीं की हमने बात ना, फिर क्या हुआ कि हमारी ना फ़ोन पे बात शुरू होने लगी, फिर जब इन्होंने अपनी स्टोरी बताई मम्मी की, मैंने फिर भी नहीं व्लॉग्स देखे, जब इन्होंने अपनी मम्मी की स्टोरीज बताई फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा, और माँ आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब माँ नहीं जानी चाहिए लाइफ से, बस किसी की भी लाइफ से माँ नहीं जानी चाहिए, बस माँ का बहुत सहारा होता है, तो लाइक ऐसा हो गया यार, जब मैं फिर ध्रुव से मिलना शुरू किया तो मुझे पता चला ये ना थोड़ा सा मतलब माइल्ड डिप्रेशन बोल सकते हैं आप, इनको एंग्जाइटी होती थी, ये बैठे होते थे ना तो इनको ऐसा होता था बस अब मतलब
होता है एक एंड आई एम स्टाफ नर्स जॉब करती हूँ, मैंने मेरे को था कि ध्रुव को कुछ तो है, तो इनको ना ऐसे एंग्जाइटी हो जानी, कुछ ऐसे मतलब इमोशनल हो जाना थोड़ा, फिर जब मम्मी को, क्योंकि रिसेंटली वो हुआ था इनके साथ ना, तो मेरे को मैं ना ध्रुव से इमोशनली अटैच हुई हूँ. मतलब जनवरी 2021 में मॉम की डेथ हुई और मैं इससे मिला हूँ अगस्त सितंबर 2021. हाँ, इतना कुछ मतलब मैं ना बहुत इमोशनल है, मेरे को ना फिर माइंड में ऐसी होती थी यार, मतलब बहुत बुरा लगता था इसके लिए, और ये बहुत इनोसेंट था. फिर जब मैंने मतलब चीज़ें की, तो हम ना होते हैं ना, जब जो आपका बहुत बुरा फेज होता है ना, उस टाइम जो आपका साथ दे वो हमेशा याद रहता है, वो हमेशा याद रहता है. तो हम ना उस टाइम बहुत अटैच, इन्होंने अपनी चीज़ें बताई, मैंने अपनी, तो इमोशनली बहुत अटैच हो गए हम. वो इमोशनली कब प्यार, हमने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला उस टाइम पे, शायद ये आई लव यू ऐसे ही होता है, हमने कभी नहीं बोला एक दूसरे को आई लव यू, बट दिल से ना हमेशा ही सोचा यार अभी जब मैं जॉब करूँ तो यार ही ओके ना, वो ठीक होगा, वो आया होगा घर, वो मतलब होता है ना वो दिमाग में. तो मेरे को, मैं सीरियसली बोलूँ, मैंने कभी आई लव यू नहीं बोला. और बाद में ना हमने सीधा, जब हमारे को लगा कि हमें मतलब ऐसे शादी करनी है, जब हमें लगा कि हम दोनों एक, तो हमने डिसाइड ही शादी का किया. नहीं, एक्चुअली में इसमें एक चीज़ मिस ये हो गई है. क्या? कि अक्षय भाई ना हमेशा बोलते थे यार तुम्हारा है क्या. हाँ, तुम रहते इतने आसपास हो, अक्षय भैया भी तुम्हारे को देख के लगता नहीं तुम भाई फ्रेंड्स. हाँ, हो okay. तो हाँ, अक्षय भैया ना हमारी लव स्टोरी के मेन किरदार बोल सकते हैं. तो हम जब मिलते थे ना, तो हम एज अ फ्रेंड्स मिलते थे, कभी नहीं बोला कि हम, मैं ये व्लॉग्स भी बनाते थे बट मैं आती नहीं थी कभी, बिहाइंड द कैमरा होती थी. तो अक्षय भैया बोलते थे यार तुम्हारा सीन क्या है, समझ नहीं आ रहा, रहना साथ है, रहना साथ है, तुम हर एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, भाई ऐसे गलत चीज़ है, मतलब थे आप लोग इसको ऐसा था, मैं बहुत चुलबुली टाइप थी, अब शादी होगी, उस शादी से पहले तो और भी चुलबुली थी, तो ये खुश हो जाता था ऐसे कुछ, मैं कभी भी नाचना शुरू कर देना, कभी भी कुछ फनी एक्टिविटी शुरू कर देनी. तो क्योंकि अगर सेम अगर मेरी जैसी शांत होती तो फिर इस टाइम पॉडकास्ट में कौन बोल रहा होगा एग्जांपल. तो इस करके ना हो गया. फिर एक दिन ना, फिर अक्षय भैया ने बोला यार ये अक्षय भैया को ना, अक्षय भैया बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है, वो ना फेस एक्सप्रेशन से उन्होंने ऐसे पता लगा लिया यार तुम्हारा कुछ तो चल रहा है. फिर अक्षय भैया को ये था कि ये ना, वो मुझे बोलते थे कि ये बहुत बुरे वक्त से गुजरा है और उस फेज से ये बहुत मुश्किल से निकल रहा है, अगर तुम्हारा कुछ है तो बोलो, ऐसे मतलब चीट वगैरह मत करना क्योंकि यार ये मतलब इमोशनली काफी वो हो रखा है. तो तुम फिर समझ ही नहीं आता था यार क्या कह. एक दिन बोल ही दिया मैं यार शादी करनी है, कुंडलियां मिलाओ. कुंडली, फिर उसका कुंडलियों का भी ऐसे हो गया कि फैमिली मेरी हिमाचल की है ना, और ध्रुव पंजाबी, बट एक्चुअली पापा बहुत नाइस है. नहीं चलो, वो तो आपका हो गया कि आपकी लव मैरिज, वैसी यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने देखी भी है, आपने बताया अपने लव स्टोरी के बारे में. पर जब आप एक्सेप्ट करते हो किसी को अपनी लाइफ में और ऊपर से आप यूट्यूबर हो, अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को आपने यूट्यूब पे लेकर आना है, तो फिर कैसे मतलब लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा अंजना को? टाइम लगा क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को मेरा दुख पता था कि इसकी मम्मी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है और ही सो इमोशनल एंड इनोसेंट, तो उनको ये लगा कि यार ये लड़की आ गई एकदम से, और ये उम्र भी हमारी कितनी 24 की ये थी, 25 का मैं था जब हम मिले फर्स्ट टाइम. और फिर यही है कि लोग तो करते ही है, अगर कोई और भी दिख जाए तो वो उनको तो बस एक पॉइंट चाहिए और वो तो शुरू हो जाएगी. इसका पॉइंट ये है कि मेरी आईज की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था. जब मैं एकदम से मतलब यूट्यूब में मतलब दिखी ध्रुव के साथ, तो लोगों ने ना मुझे जज करना शुरू कर दिया इस फेस मतलब लुक्स पे बेसिकली, कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ ध्रुव को. यू आर मतलब ही इज़ बिलोंग वेरी गुड फैमिली, उस टाइम सबको ही पता था ये व्लॉग्स बनाते हैं तो ये सेलिब्रिटी फैमिली है, कहाँ तुम्हें क्या देख लिया इसमें, मतलब बहुत सारे कमेंट्स मतलब ऐसे होता था. मैं पढ़ना शुरू करती थी तो वही अरे हमारे इस बात में बहुत वो भी होता था लड़ाई, जब हमने लव स्टोरी व्लॉग शूट किया था ना उस टाइम बहुत रोई थी ये बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने अपनी लव स्टोरी बताई और उस टाइम सच बोलो व्लॉगिंग का हमें भी इतना नॉलेज नहीं था. अच्छा अंजना, आपकी आईज में क्या हुआ था? एक्चुअली ये बाय बर्थ ही ऐसी है स्कार. तो जब
मतलब बड़ी होगी मैं 18 इयर्स की, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी नहीं कर सकते, विज़न पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये जो चीज़ होती है बचपन से, तो अगर ये आ तो उसी टाइम हो जाए, फिर अगर बाद में आ जाए तो हमें विज़न का वो है। तो जब बचपन का जो फेस था ना, तो उस टाइम ऐसा था कि ठीक है यार, जब 18 साल की हो जाएगी तो मम्मी ने सोचा कि जब 18 साल की हो जाएगी तो देख लेंगे। फिर 18 साल के बाद जब जो मैंने 18 साल तक जो मैं सुनती थी जैसा होता ही है लुक्स को लेके, वो ना मैंने पूरा ऐसे हो गया था पूरा, कि कभी भी आप फ्रेंड्स के सामने बैठे हो, कभी भी कोई चीज़ होता है यार आप बोलते हो, तो अब तो मैं बहुत बड़ी होगी हूँ, मैच्योर हूँ। मतलब जब आप सबसे बड़ा बचपन होता है। आपको कभी खुद को अनकंफर्टेबल फील हुआ इस बात से, या लोगों ने आपको करवाने की कोशिश की हो कि नहीं आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, या आपके आईज में प्रॉब्लम है? क्योंकि लोगों को मोस्टली आप जज इस तरह से ही करते हैं लोग ना। ऑब्वियसली ये आई थिंक कोई भी आपके मतलब बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी हो, लोग आपको जज करेंगे। एक्चुअली लोगों को ना मेरे को मतलब क्यों हमेशा लुक्स पे जज किया जाता है किसी को, मतलब आप मैं एक बार बोलूँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की भी है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी होगी। हमेशा ना ये होता है लुक्स पे। और मतलब जब मैं आई थी यूट्यूब पे, मैंने ना वो टाइम पे मतलब मेरे को जब हमने लव स्टोरी भी बनाई है ना, तो मैं इस बात पे नहीं कि इन्होंने ट्रोल किया, मैं इस बात पे थी क्योंकि मैं उस टाइम में खुद को ही एक्सेप्टिंग कर पा रही थी। मैं मतलब कैमरे में कॉन्फिडेंट ही नहीं थी खुद से, बोलने में अच्छी है पर कैमरे पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, वही कह रही थी कि अंजना अच्छा बोलते हैं, एंड मेरे को ये था कि ये मुझे बोलेंगे। और मैंने ना फिर डिसाइड किया जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूँगी ना, ये लोगों का क्या है मेरी लाइफ में, मतलब आई थिंक उन लोगों ने मेरे पे इतनी जजमेंट पास कर ली थी। पर चलो आपके पार्टनर जो थे उनको आप पसंद थे, और लुक्स वैसे ही मैटर नहीं करती, इंसान अच्छा करता ही नहीं है पहले से। मेरा ये था कि एक अच्छा इंसान है जो समझ, देखो मेन था मेरे को समझे और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे, और ये तो मेरी एज अ दोस्त रहती है हमेशा। मतलब जैसे होता है ना मियां बीवी वाला सिस्टम नहीं है, फ्रेंड्स वाला सिस्टम है हमारा, और ऐसा ही हम चाहेंगे कि कंटिन्यू हो। ओके, इमोशनल हो गई अंजना। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं। ये कमेंट्स जब आते हैं ना, तो ये लोगों को इमोशनल करने के लिए नहीं होते, आपके पार्टनर इतने अच्छे हैं। मैं कैसे था, मैं इनको क्यों बताऊं कि मैं मतलब डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ। हमेशा ना एक चीज़ पे लड़कियों को ही क्यों जज किया जाता है, वो चाहे फैमिली हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्ट्रेंजर ही करते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा ना अपनों का लगता है, दूसरों का नहीं लगता है। और मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता है कि अगर लड़के में हो ना कोई स्कार या कुछ भी, तो उतना नहीं मैटर करता है, लड़कियों में होता है। शायद मेरी मम्मी का भी यही होता था ना बचपन से कि मुझे क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ऐसा था कि तू किसी पे डिपेंड मत रही हो। बट मैं, मेरे को ना ऐसे क्लियर था कि मुझे ना नहीं किसी पे डिपेंड रहना। एंड आफ्टर जब मैं 18 हो गई थी ना, जॉब शुरू की थी, तो मेरे को एक सर्जरी बोली थी कि जिससे स्कार रिमूव हो जाएगा, तो ठीक है सर्जरी का सारा कुछ फाइनल कर दिया था मैंने। और मेरे को मम्मी को सरप्राइज देना था कि ठीक है मैं खुद कराऊंगी क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, शायद मैं देहरादून में होती थी उस टाइम ना। तो बट मेरे को ना एक दिन मैं रात को ऐसे बैठी और मैंने ना अपने मतलब 22 की थी मतलब की जर्नी ऐसे रियलाइज की कि मैंने कितना सुना है यार इसके लिए लोगों से। अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, खुद कमाती हूँ, पर जब मैं छोटी होती थी ना, तो मतलब कितना बुरा लगता है आप फ्रेंड्स के बीच हो और ऐसे टीज कर रहे हो। तो मतलब मेरे को ना ऐसा लगा कि यार भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है, ये बाइबल होता है, ठीक है, भगवान ने मुझे, मैं खुद से प्यार क्यों नहीं कर रही हूँ? जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी ना, दूसरे तो वैसे भी नहीं किसी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे को ना उस दिन मैंने ना छोड़ा, मेरे को भगवान ने जैसे बनाया ना मैं ऐसी रहूंगी। जिसको आप बहुत ही प्यारी हैं और हमें बहुत प्यारे लगते हैं, जिसको थोड़ा सा माहौल इमोशनल हो गया है, और जिसको पसंद है ठीक है, बट आई लव माई सेल्फ एंड मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया। और सबसे अच्छा है कि मैंने ये चीज़ फेस की है ना, तो मेरे को पता है कि दूसरे को ना कितना बुरा लगता है। मतलब फ्लॉज सब में होता है,
बहुत सारी लड़कियाँ, जब मैंने अपनी लव स्टोरी शेयर की थी ना, मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, दी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, दी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, दी हम तो ना, मतलब मेरे को लड़कियों कह रहे थे, दी हम कॉलेज में किसी से बात ही नहीं करते हैं इस चक्कर में, हम अपना कॉलेज आते हैं आते इस चक्कर में, क्योंकि जो हमारी फ्रेंड्स होती है वो कई बार मजाक में बोल देती है, मजाक वही अच्छा लगता है जिसमें सब हंस रहे हो, अगर अगला बंदा ऐसे बैठा है तो अनकम्फर्टेबल होता है ना। तो मैं इसमें एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप पहले तो लव योर सेल्फ, सेकेंडली आप इतने इंडिपेंडेंट बनो ना यार, बाहर में जाए लोग सीरियसली समझाना ही नहीं है किसी को, क्यों समझाना है, ठीक है जब मतलब ध्रुव के लिए बोल रहे थे ना कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ ध्रुव के लिए, है ना एक स्कार की वजह से मैं डिजर्व नहीं करती ध्रुव के लिए, जानते मुझे नहीं जानते ना मुझसे ज़्यादा ना बचपन में मेरे मम्मा रोते थे इस चीज़ को लेके कि यार एक तो मैं लड़की हूँ, इसलिए रोते थे एक तो मैं लड़की हूँ, वो हमेशा बोलते थे अंकु को ये चीज़ होती चलता, मैं लड़की हूँ क्योंकि लड़कियों की शादी नहीं होती, मेरे को ना बहुत कमेंट्स ऐसे आते हैं कि यू आर लकी कि आप की मतलब आईज़ में ये स्कार होने की वजह भी आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली, क्यों जिनकी जिनको कोई प्रॉब्लम होती है उनको हक नहीं अच्छी लाइफ जीने का, उनको हक नहीं एक अच्छा पार्टनर मिलने का, उनको भी यार सारे राइट है, भगवान ने सबको शायद सेम बनाया है, और समझ नहीं आता लोगों की क्यों इतनी गंदी परसेप्शन है हर चीज़ को लेके। जो आप बात बता रहे हो ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, या एक स्कार से आप किसी को जज नहीं कर सकते, एक प्रॉब्लम से आप किसी को जज नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो गया है, ग्रुप को आप पसंद है और हमें भी आप बहुत पसंद है, और व्यूअर्स को भी आप बहुत पसंद है, बाकी आपने बोला था भाड़ में जाए दुनिया तो भाड़ में जाए, ठीक है। एक्चुअली मैं इस चीज को ना अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज, बचपन में जब होता था ना तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, मैं बहुत बार मम्मी को भी बोलती थी यार मतलब मम्मी क्यों ऐसे, मतलब बचपन में कुछ हो नहीं पाता था कि ठीक हो जाए, ऐसे मैं फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो मेरे को थोड़ा बोल ही देते हैं लोग बीच में, तो मम्मी मेरे को बोलती थी कि तुझे क्या लेना, तुझे तू ये याद रख कि तुझे तेरी माँ बहुत प्यार करती है होता है यार ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, तो क्या इतना थोड़ी सोचना चाहिए। सिंपल सी बात ये है कि मैं ये चीज भी बोलूंगा हर एक बंदे को, जितने भी मतलब लोग है जो लड़की देख रहे हैं, तो ये मत देखो कि भाई उसमें अगर कोई फ्लॉ है तो लड़की ठीक नहीं होगी, आपको सोसाइटी से क्या लेना है, आप दोनों का कैसा है वो मैटर करता है, और सोसाइटी में आपके साथ भी तो कुछ ऐसा हो सकता है, फ्लॉ सबके अंदर होते हैं कुछ ना कुछ, कोई हाइट में छोटा है, कोई ज्यादा ही लंबा है, कोई ज्यादा ही मोटा है, कुछ भी हो सकता है, फ्लॉस तो किसी भी टाइप का हो सकता है, आपको एक्सेप्ट खुद को भी करना पड़ेगा और जो आपका पार्टनर है उसको भी करना पड़ेगा, हैप्पीली रहो और मजे लूटो यार। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेहरा भी कब तक रहता है आपका, है ना, कब तक रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बॉन्ड कैसा है, आप कैसे फील करवाते हो दूसरों को, आपकी एनर्जी कैसी लगती है। अब जब अंजन आई तो तभी ये कह रहे थे कि हमारे को ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, आई स्वेयर ऑन गॉड मैं कभी अंजना से नहीं मिली, आई फील कि मैं इनसे बहुत बातें करती हूँ, बहुत मिली हूँ बहुत बार, इवन मेरे ध्रुव से ज़्यादा बात मेरी अंजना से ही हो रही है, मैं इनको तभी कह रही थी कि अंजना बहुत अच्छा बोलती है। अच्छा अब शादी पे चलते हैं, ठीक है। जब शादी हुई तो घर वाले, जैसे आपने पहले बताया था कि इतनी दूर तो शादी हो रही है, और हमारे पहाड़ में तो ये होता है कि नीचे कहाँ शादी करनी, वही अपने, जब मैंने मम्मी को बताया ना कि ऐसे ऐसे लड़का है, तो मम्मा का ना सबसे पहले मम्मा का कभी था ही नहीं कि मेरी शादी करवानी है, क्योंकि मैं ना एक फेज पे बहुत खुश थी कि मैं जॉब करती थी अपना था, तो मम्मा को सबसे बुरा यही चीज लगता है कि यार ठीक है किस फैमिली में जा रही है, तुझे वो बोल के ना वो पिंच ना करे चीजें ना, होता है अब किसी भी फैमिली में जाएंगे हमेशा लड़की परफेक्ट ही होती है, सबको ये है मेंटालिटी, वो कोई एजुकेशन नहीं दे, वो नहीं देखेंगे कैसी लड़की है या जॉब करते, वो ये देखेंगे कि दिखने में कैसी है, और ऑब्वियसली जब मिलेंगे ना, तो मेरी मम्मा को बहुत था इसका ना कि तू देख ले एक बार, मैं तो यही बोलूंगी कि अभी मतलब मत पड़ इन चक्करों में, ऑब्वियसली मेरी मम्मा एक्सपीरियंस है, और मम्मा को तो मैं मम्मा को बोले, मैं कहा मम्मी यार मुझे नहीं पता, मैं फैमिली से नहीं मिली, लड़का बहुत अच्छा है, लड़के को सब पता है, तो आप इतना तो मेरे मम्मी फैमिली को था थोड़ा ना, बट फैमिली को तो होता है, होता है थोड़ा सा ना कि मैं यार इतनी दूर अपनी बेटी भेजनी है तो थोड़ा सा रहता है। अच्छा तो आपकी साइड कैसा था? मेरी साइड
आपके पापा ने बोला चलो ठीक है तो मुझे पसंद है तो पापा का तो ये था कि देखो तेरी पसंद है भाई तूने रहना, उसके बाद बाद में ये ना बोलना शादी एक बार होती है बार बार नहीं होती है तो ध्यान से सोच समझ के अगर तुझे पसंद है तो कोई बात नहीं तुम लोगों ने रहना है, मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो बस पापा की साइड से ठीक था। बाकी फिर आईज को लेके तो हर एक बंदा ये बोलता है क्योंकि देखो उस टाइम मेरी उम्र कितनी थी 25 साल थी, तो जैसे बच्चे को समझाया जाता है कि देख ले भाई आईज का, अगर बाद में तुम ये ना बोलना कि आईज की कुछ ऐसे है, पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ नॉट फादर, कि ये चीज तेरे को पता है ना बाद में, मैं हाँ हाँ टेंशन ना लो ये एक्सेप्टेड है और ये चीज मैं चाहता हूँ हर एक बंदा एक्सेप्ट करे, क्योंकि देखो यार फ्लॉ ना किसी की गलती नहीं होती है, ये बाय लक किसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो वेल एंड गुड है, पर इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट अगर मैं सच में बताऊँ ना ध्रुव, तो बहुत डिप्लोमेटिक होता है इंसान, बेशक वो ये बोले कि मुझे चलेगा लड़की में कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, पर एक्सेप्ट करना अपना लाइफ पार्टनर बनाना बहुत बड़ी बात है, और सच में वो ये है प्यार, है ना, एक्चुअल में ये है प्यार, और इससे पता चलता है कि शादी होना फिर तो जरूरी था। हमारा ये है ना कि देखो पूरा लव मैरिज टाइप ही है। हाँ बहुत ज्यादा, एंड मेरे को ना था कि तू अपनी फैमिली से बात कर ले, क्योंकि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो जब मैं ध्रुव के पापा से मिली थी ना तो He's a very nice person. और उनका और आपके लिए तो बड़े कमेंट्स आते हैं कि अंजना और अंजना के ससुर जी का जो बॉन्ड है वो नहीं करती इतना पापा की करती है, और मैंने यही बोला कि मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, और उन्होंने मुझे हमेशा एक बात बोली है कि दुनिया जो मर्जी बोले मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मेरा बेटा है तू मेरी बेटी है, एंड मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, मैं किसी का ज्यादा सोचती भी नहीं हूँ और सोचना भी नहीं चाहिए। और आपका बॉन्ड भी दिखता है, जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो आपका जो बॉन्ड है ना अपने ससुर जी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ध्रुव, जब से अंजना आई है लाइफ में तो क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में पॉजिटिव वे में? पॉजिटिव वे में चेंजेस, एक तो अब घर पे एक औरत है जो पूरा घर संभालती, एक औरत संभालती है, तो मेन रीजन शादी करने का भी यही था जल्दी से जल्दी, और पहाड़ में क्यों था क्योंकि मम्मी की यही थी कि बेशक बेटा कुछ भी हो जाए तो हिमाचल से ही शादी करनी है। शायद मम्मी होते तो शायद होती भी हो सकता है, कुछ भी डेस्टिनी है, आई थिंक डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मिलवाने वाला तो ऊपर वाला होता है, वैसे भी वही होता है, बहुत डेस्टिनी के अकॉर्डिंग होती है, वरना था नहीं कभी, ये तो मैं भी मानती हूँ कि हमारी शादी हुई तो ऊपर वाले की मर्जी से। और हमें ये नहीं, सच बताओ इसको ना शादी से पहले खाना बनाना भी नहीं आता था लिटरली, और वो बात मुझे पता थी बट फिर भी भाई करनी है तो भाई इसी से करनी है। वेरी नाइस, क्योंकि हम ना हमने एक दूसरे को ना इमोशनली हम अटैच हुए, जब आप इमोशनली अटैच होते हो ना तो शायद आपको फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा ऐसे मैटर नहीं करती। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जितने भी मतलब यंग है अभी, फिजिकल अपीयरेंस पे कभी जाना भी मत। आप एक इंसान को आप 3 महीने के लिए होती है शायद, साल के लिए मान लो फिजिकल ये सुंदर है चलेगा, पूरी उम्र अगर आपने साथ रहना है ना तो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ध्रुव बिल्कुल मेरी मम्मा तरह है। अब मम्मा को तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, गुस्सा भी होते हैं, हमारे झगड़े भी होते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे झगड़े नहीं होते, हमारे बहुत झगड़े होते हैं। किस बात पे झगड़े होते हैं पहले ध्रुव आप बताओ? झगड़े हमारे बेसिकली यही कि कोई हमारा थॉट मैच नहीं हुआ। मैंने जैसे अभी कैमरा खरीदा है रिसेंटली, तो शी वाज लाइक कि नहीं खरीदना भाई पैसा वेस्ट है ये। अच्छा, तो मैंने बोला भाई मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को लेना ही लेना जो मर्जी हो जाए, तो बस इसी में झगड़ा हो गया, फिर गुस्से में मैं निकल गया, ये कैमरे पे नहीं है चीजें, ये मेरी सास है, फिर वापिस आ जाओ, वापस तो आना ही पड़ेगा। बहुत होते हैं, ये मेरी सास है, मेरे फादर इन लोग कभी कुछ नहीं बोले, इवन मैं इतना बताऊँ कि सुबह की चाय पापा बनाते हैं हमेशा, आज तक नहीं मैंने बनाई है, क्योंकि वो जल्दी उठ जाते हैं, जैसे मैंने बोला मुझे सोना बहुत पसंद है, तो पापा ने कभी डिस्टर्ब, और पापा कोशिश करते हैं कि जितना वो खुद कर सके ना, वो कभी भी ना उन्होंने हाँ, मैंने कभी बहुत ज्यादा ऐसे देखा जाता है कि आपके जो पापा है वो ज्यादातर काम पे होते हैं, इवन वो आपके कैमरा में भी ज्यादा नहीं दिखते हैं, उनको पसंद ही नहीं है, हमारी शादी की वीडियोस में नहीं है वो, फोटो एक या दो फोटो है उनकी पूरी शादी में, उनको इवन ये होता था कि ठीक है तुम किस तरह के इंसान है, अगर आप अंजना आप बताओ किस तरह के इंसान लगते हैं, आई थिंक जो शायद ही लोगों को पता हो क्योंकि वैसे तो आपके यूट्यूब पे देखते हैं पापा,
जैसी पर्सनैलिटी मैंने आज तक नहीं देखी है. ही इज़ अ जैम. मतलब आप मैं उन्होंने ना मुझे लिटरली अपनी स्टोरीज बताई अपनी और मम्मी की. तो जब मम्मी बीमार होते थे पापा बोलते थे वो पीजीआई में अकेले होते थे, 3 महीने तक मम्मी के साथ रहे हैं, उनका सारा टेक केयर करना, इवन मम्मी पूरे बेड रिडन हो गए थे, इसको इसलिए डिस्टर्ब ना की नहीं किया ताकि इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो. एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम चल रहे थे, किसी को कुछ नहीं बोला. उनको ये था कि उन्होंने चेयर पे भी रातें काटी है, मम्मी का हाथ ऐसे व्हील चेयर में, मतलब व्हील चेयर छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि व्हील चेयर जनरल वार्ड में एक ही मिलती थी और आपको डायरेक्टली वहाँ प्राइवेट वार्ड नहीं मिलता है, पहले आपको जनरल वार्ड से शुरुआत करनी पड़ती है. शिद्दत से अपनी वाइफ की सेवा करना. और मुझे लगता है कि ध्रुव में भी शायद वहीं से वो बात आई होगी, एकदम लॉयल वाली. बिल्कुल. और पापा के पास ऑप्शन था जब मम्मा की डेथ हुई कि वो अगेन शादी करे. मैंने कभी नहीं देखा कि कोई छोड़ दे किसी को. और पापा ही इज़ वेरी हैंडसम, नो डाउट. तो वो कर सकते थे. मैंने पापा को खुद एज अ वो, मतलब लोग बोलते हैं कि यार बहुत तुम्हारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी अगर पापा सेकंड मैरिज कर लेंगे, बट मैंने ना पापा को बोला है कि पापा आपने शादी करनी है, हम आपके साथ दुनिया जो मर्जी बोले, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है यार, बिना लाइफ पार्टनर के. अब हम है ना, हम पापा बहुत कोशिश करते कि पापा खुश रहे, सब रहे, बट जो एक लाइफ पार्टनर कर सकता है ना वो तो है, जो इन्वॉल्वमेंट लाइफ पार्टनर लेके आता है ना वो चीज मिसिंग हो जाती है वो. तो मैंने ना पापा बैठ के, पापा कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ, आप ये मत सोचना कि आपके बेटा वो पापा ये बोलते कि मेरे पास अब लास्ट होप मेरा बेटा है, ये है, ये मत सोचना, आई प्रोमिस हम आपके साथ है. बट पापा बोलते कि नहीं, मेरे को ऐसे लगे, वो बोलते कि मेरे दिलो दिमाग में भी ध्रुव की मम्मी ही है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे छोड़ के गई है, जब तक वो पूरी नहीं की तो मैं तो बस, मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल शादी शुदी करने में उनको. आपका बॉन्ड कैसा है आपके पापा के साथ? पापा के साथ बॉन्ड मेरा बहुत फ्रेंडली है, उनसे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और कुछ भी उनको हो ना, कोई भी जरूरत हो, हर एक ज़रूरत में उनके साथ मतलब शेयर कर सकता हूँ. कोई भी दुख हो, सुख हो, बेशक पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही है आफ्टर ऑल. आप प्यार से कभी बैठ के उनको कभी गले लगाए? एक्चुअली इनका बॉन्ड पता है कैसा है, मैं बताती हूँ. पहले आप बताओ. गले बोले जाता है जो मेल होता है ना, राइट, पापा के साथ ना गले मिलना, जो मम्मी के साथ है, मम्मी के साथ तो ऐसे होता था ना. पर ये ऐसा क्यों होता है मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही. मैंने पापा को पता कितनी बार हग कर दिया है. इनका पता कैसे है? मुझे लगता है लड़कों को ये होना चाहिए क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो फादर के बहुत करीब होती हैं, अपने पापा को हग भी कर सकती है, किस भी कर सकती है, वो उनको बता सकती है कि आप कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो एक्सप्रेस करना बड़ा ज़रूरी होता है. पर लड़का जितना भी प्यार करे वो कभी एक्सप्रेस नहीं करता, कभी ये नहीं बोलता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ यार. क्योंकि लड़के की ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ना हर बात शेयर नहीं कर सकते हैं. क्योंकि लड़का एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है यार घर का. तो जितने दुख हो गए, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, वो एक लड़का झेलता है क्योंकि उसकी फैमिली खुश रहे. तो इस वजह से मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा बहुत फीलिंग्स बंदे को हार्ड रखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है कि हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है. बट ये मतलब हम आपको लगता है बचपन से ही सिखाया जाता है लड़के है तो गले गले नहीं मिलेंगे, अपने फादर के साथ थोड़ा सा रहता है. पर मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, आने वाले टाइम में शायद ही खत्म होना चाहिए. क्योंकि आपके फादर को अगर लड़का हक करेगा ना तो फादर को एक अलग ही फीलिंग आएगी. लड़के पे ना बड़ा ही प्राउड होता है फादर को देख के ना हमेशा ही. अच्छा आपके फादर की बात होगी. अच्छा अंजना आप अगर एक कुछ शब्दों में, क्या नाम है ध्रुव, साहिल, साहिल भी है आपका नाम है? निकनेम मेरा साहिल है घर का. अगर ध्रुव को आप डिस्क्राइब करें तो किस तरह का इंसान है ध्रुव? वेरी केयरिंग, हम्बल एंड हाल मेरे लिए तो मैं जितनी भी मतलब सारी अच्छाइयाँ है ना वही बता दूं. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा के बाद ना ध्रुव एकदम मेरी मम्मा की तरह है. बहुत बहुत ज़्यादा खुश नसीब होते हैं वो जिनको ना, जैसे मेरे को मायके जाने का मन नहीं करता है. पहली लड़की थी जिसको मायके जाने का मन नहीं करता है. मतलब मेरी मम्मी से बात हो जाती है, भाई से बात हो जाती है, मैं अपने ससुराल में इतनी खुश हूँ ना कि मेरे को इतने ज़्यादा अच्छे पति और फादर इन लॉ मिले हैं. तो मैं ना बहुत प्रे करती हूँ कि ये हर एक लड़की को मिलना चाहिए. राइट. मतलब बहुत ज़्यादा शायद भगवान ने बोले ना कभी कुछ अच्छा लिखा होता है, तो शायद कुछ अच्छाई आ रही होगी हमारी भी जो हमें ध्रुव अच्छा ससुर मिले. अच्छा ध्रुव आपकी जो मासी है
वो बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. आप मोस्टली हमेशा ही वीडियो में बोलते हैं कि मेरी मासी मेरे लिए बहुत कुछ है. तो कैसा बॉन्ड है आप लोगों का और क्या कुछ रहता है जब आप लोग मिलते हैं? बॉन्ड बहुत अच्छा बॉन्ड है मासी के साथ. ये चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मम्मा भी थे उस दौरान मम्मा को ना मतलब फील शायद आ जाता होगा कि अगर मैं ना होंगी तो मेरे बेटे का ध्यान रखेगी. मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया था ये चीज़ कि फिर मासी तो बोला कि भाई जैसे मेरा लक्ष्य है वैसे ही मेरा साहिल है. तो बस बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा है. मासी एक माँ समान है मेरे लिए और उनके साथ मैं खुल के बात कर सकता हूँ. कुछ भी मुझे बात करनी है, कुछ भी शेयर करना है. और वो इवन टीचर है, कंप्यूटर साइंस टीचर, कंप्यूटर टीचर बेसिकली. तो टीचर तो आपको कितने अच्छे से समझाता है और ऊपर से टेक्निकल फील्ड मेरी भी है, मासी की भी है, तो इंटरेस्ट तो सेम है ही है. तो बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है. रील्स वगैरह भी मैं मासी के साथ बना देता हूँ कभी कभार. क्योंकि देखो रील कंटेंट मेरे को शॉर्ट कंटेंट बनाना बहुत पसंद है. इवन अंजना को भी पहले मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था. मैं बोलता था अंजना इतना रील्स क्यों करती है. फिर धीरे धीरे समझ आया कि नहीं यार कुछ अपना और मतलब देखो लॉन्ग वीडियोस तो हम बनाते ही है, उससे हटके भी अगर कुछ और कर पाए हम तो हम चाहते हैं कि जितना बेस्ट हम अपना आउटपुट निकाल पाए. देखो जब तक हम चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है जो छुपा हुआ है. बाकी मासी के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है. कभी भी कुछ भी दुख हो सुख हो हमारा हमेशा शेयरिंग होती है. इवन शादी में मासी ने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है. मासी मासड़ और रोनी भी. हाँ तो बहुत अच्छा बॉन्ड है मासी के साथ. बाकी और भी फैमिली मेंबर्स है उनका भी सेम बॉन्ड है, बट मासी तो माँ है. मासी तो माँ है. मासी के साथ वैसे ही होता है बच्चे का. अच्छा आपका एक और फैमिली मेंबर भी है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है ध्रुव के लिए भी और आपके लिए भी. अब है आप बताओ कौन? सेवी. अच्छा सेवी तो जान है अपनी. ये मैं मतलब मेरी मॉम का लास्ट बर्थडे, ये 2020 की बात है, नवंबर 21 या 22 को लेके आए थे हम सेवी को. सेवी जो है वो उनका डॉग है. सेवी और मेल है वो. लोगों को लगता है वो फीमेल है. अच्छा मेल है वो. आपको भी आज पता चला. तो सेवी को उस टाइम लेके आया था और उसका नाम सेवियर रखने के पीछे भी यही था कि मतलब पहले तो ये था क्योंकि मतलब ना ऐसे बोलते थे कि अगर आप डॉग पालते हो तो कोई भी बुरी चीज़ है वो अपने पे ले लेते हैं. तो उसका नाम मैंने सेवियर यही सोच के रखा था कि मम्मी बीमार तो थे ही उस दौरान और फिर सेवी को रखा. फिर मम्मी जब वो सेवी बड़ा हो रहा था ना उस दौरान की परवरिश मम्मी ने करी है उसको. जितना भी उसको सिट डाउन हेलो हाई फाई वो सारी चीज़ें मम्मी ने सिखाई असूल. अच्छा। फिर बस ये है कि मम्मी के साथ वो कितना 2-3 महीने ही रह पाया होगा. बेसिकली 1 महीने ही और सीखा भी वो उतना ही है सिट डाउन स्टैंड अप. और 1 महीने के बाद फिर मॉम की डेथ हो गई थी. तो फिर मैं ही मानता हूँ कि सेवी में बहुत ज्यादा इमोशन है. सच बोल रहा हूँ. कई बार बोलो क्या होता है कई बार मैं ना जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ऑफिस का बहुत ज्यादा काम है और थोड़ा सा लो भी चल रही है लाइफ, तो कई बार रोना आ जाता है. तो मैं रो रहा हूँ ना अगर तो आएगा सेवी चुप करवाना शुरू कर देगा ऐसे चढ़ के. तो वो फीलिंग मेरे को आज तक नहीं करवाया चुप. कोई भी घर पे आएगा काटता था वो पहले. अच्छा? ना हाँ मेरी फ्रेंड्स आ गई जितने भी लोग आते थे काटता था. होता है ना सिखाना पड़ता है, सिखाओगे नहीं आएगा नहीं. तो मैंने उसके मतलब मेरे को ऐसा लगा ये दोनों तो रूट नहीं हो सकते, मुझे थोड़ा सिखाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. तो सेवी को एक ही है तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है. अगर अंजना झाड़ू भी मारे उसको लगेगा कि मार नहीं आ रही है तो बिल्कुल. और कभी हमारा झगड़ा होता है ना तो अगर मैं ऐसे इसको बोलूँ कि ऐसे थोड़ा रो तो इसको फटाफट मनाने चल जाएगा. पापा को तो खैर जाता है, मेरे को खुश होता है. मतलब वो ऐसा है कि अगर वो घर पे रहो ना कई बार पापा कहीं उसको ग्रूमिंग करवाने ले गए या कहीं घुमाने ले गए तो इतना सुनसान घर लगता है ना. हाँ, क्योंकि वो तो हर जगह ही घूम रहा है. तभी मैंने कहा कि एक और फैमिली मेंबर भी आपका है. और मैं बोलूं पेट होना चाहिए घर पे, कई बार ना इंसानों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो. मतलब आपका केयरिंग होता है, इतना इंसान भी नहीं होता है. आप बीमार हो ना कोई किसी को पता नहीं होगा, नहीं भी बताओगे आप बीमार हो ना तब. अगर मैं बीमार हूँ तब तो आके बैठता है वो कि हाँ ये बीमार है, लाइक करेगा कुछ नहीं बट एक होता है इमोशनल सपोर्ट वो भी बहुत. अरे बड़ी बात ऐसा है कि अगर कोई जैसे पार्सल आ जाता है बेल बजेगी ऐसे जगह शेर बड़ी वो. अच्छा अच्छा आप दोनों में से खाना किसको ज्यादा पसंद है? मेरे को ध्रुव को.
और अच्छा अच्छा खाना, और आपको वाइफ भी ऐसी मिली जिसको खाना बनाना आता ही नहीं था, अब बनाते हैं खाना अच्छा अच्छा और मैं भगवान का थैंक यू बोलता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मेरा तो एक हिसाब से जुआ था, मैं शादी करनी इससे करनी, ये कब जुआ ही होता है, क्योंकि आप देखो ना मतलब पता ही नहीं है कि कैसे रहेगी आगे की लाइफ, खाना नहीं आता क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी है। जुआ इन द सेंस कि शादी के टाइम ना जब लड़की घर पे आ जाती है ना तो बाद में पता चलता है कि सोना आया है या चांदी आया है, लकी ड्रॉ है आपका, लकी ड्रॉ खुला भी है कि नहीं खुला है, क्योंकि जब आप साथ रहना शुरू करते हो पर्सनैलिटी और बिहेवियर तो तभी पता चलता है। एक दूसरे को समझना पहले बहुत जरूरी है शादी करने से पहले, जब ये एक होता है ना जो क्या बोलते हैं साइकिल टेस्ट, प्री बोर्ड्स देते हो आप, फिर आपको बोर्ड का पता चलता है, वैसी है ये। आई थिंक यहाँ पे जैसे पर आपसे प्यार है तो इन्होंने लकी ड्रॉ है आपका, लकी ड्रॉ खुला भी है कि नहीं खुला है, क्योंकि जब आप साथ रहना शुरू करते हो पर्सनैलिटी और बिहेवियर तो तभी पता चलता है। एक दूसरे को समझना पहले बहुत जरूरी है शादी करने से पहले, जब ये एक होता है ना जो क्या बोलते हैं साइकिल टेस्ट, प्री बोर्ड्स देते हो आप, फिर आपको बोर्ड का पता चलता है, वैसी है ये। आई थिंक यहाँ पे जैसे पर आपसे प्यार है तो इन्होंने सीख भी लिया और आपको अच्छा अच्छा खाना भी खिला रहे हैं और बाकी फैमिलीज को मिल रहे हैं ध्रुव बस मिल रहा है, क्या ही बताऊँ आपको मैं नहीं ऐसा नहीं, कई बार बोले क्या होता है मैं खुद भी कुकिंग कर लेता हूँ, मेरे को ऐसे शौक तो नहीं था पर आ गया शौक अपने आप, अच्छा बना लेती हूँ अब तो मैं, बना देती है अच्छा बना देती है, पर मैं ज्यादा अच्छा बनाता हूँ। फेवरेट डिश पूछ लो, कौन सी फेवरेट डिश है? मलका की दाल। सीरियसली मलका? अंजना मलका की दाल अच्छा बनाती है। तेरी फेवरेट डिश जो तू बनाती है वो बोल रहा हूँ, मेरी फेवरेट डिश तो पनीर है। पनीर है, और आपकी? मैं सब कुछ खा लेती हूँ। सब कुछ खा लेते हैं, अच्छा मुझे लगा कि मलका की दाल फेवरेट है, मतलब मैं बड़ा कम दाल बहुत अच्छी बनाती है, फटाफट बनती है ना, इसलिए मैं फटाफट बनाती हूँ ताकि मैं सो भी सकूँ, टाइम मिल जाए मुझे। मुझे ऐसा लगता है कुकिंग ना जिसको इंटरेस्ट है ना वो उतना अच्छा बना सकता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना उसके दिल में थोड़ा ना थोड़ा रहता ही है। मैं बनाती तो दिल से हूँ, ऐसा नहीं मैं दिल से नहीं बनाती, बनाती दिल से, पर मेरे को कहीं ना कहीं रहता है यार खाना बनाना पड़ेगा, वो है अभी भी, क्योंकि शौक अपनी शौक की बात है, इसमें जरूरी नहीं है कि हर लड़की को खाना बनाने का शौक हो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर मेरे को ऐसे था कि बनाते बनाते साल हो गए आ ही जाएगा इंटरेस्ट, तो आ ही नहीं रहा है मेरे को, आ गया पर इसका भी बढ़ नहीं रहा इंटरेस्ट इसको, आ गया मैं चलो, पर मेरे को ये है कि ठीक है मैं पापा और ध्रुव के लिए अच्छा खाना बना लेती हूँ, वही बहुत है। ओके अच्छा, आपके लिए ना बहुत सारे जैसे कमेंट्स की भी हम थोड़ी सी बात कर रही हैं यहाँ पे, तो कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव भी होते हैं बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, जिसमें आप लोग आपको कुल मतलब आप जो हैं लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेज करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हैं, उसमें बहुत बार आपको कंपैरिजन किया जाता है मोस्टली नेहा के साथ, नेहा अच्छी नहीं है, किसी में लिखा होगा नेहा बहुत अच्छी है अंजना नहीं है, तो वो सब चीजों से कभी रिश्ते पे इफेक्ट हुआ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एक्चुअली कमेंट सेक्शन पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं एक चीज बोलूं, भाभी बाद में आए हैं तो भाभी जब आए थे तो उन पे भी वही हुआ था, तो मैंने भाभी को ये बोला था यार मेरे को देख लो मेरे ब्लॉग्स देख लो पहले, क्योंकि लोग तो ट्रोल करते ही है उस पर आप नहीं जा सकते, लोग ना अपने हिसाब से बोलते हैं उनको नहीं समझा पाओगे, और हमारा कंपेरिजन हम दोनों अलग पर्सनैलिटीज है, मैं भी नेहा भाभी भी, अब लोग अब अपने नजरिए से देखते हैं, अब मेरा बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होता है सबके साथ, वो मतलब किसी के साथ वाइब मैच कर ली हुए, और मेरे को ऐसा होता है कि मेरे घर में कोई आएगा ना तो मेरे को ऐसे हंस हंस के सबसे एंटरटेन कर देना, सबको खाना बनाना, तो वो एक जाता है, तो जो नेहा भाभी है ना उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है, तो अभी मैं आपसे मिली हूँ ना तो आप मुझे पर्सनली अब मतलब जान गए थोड़ा, आप भाभी से मिलोगे उनको भी जान गए, बट कैमरे पे ना वो चीज नहीं आ पाती, नहीं आ हर चीज नहीं आ पाती है, क्योंकि अब जो वो कर रहे हैं वो हर चीज, ये थोड़ी कि इसने ये किया मैंने खाना ये बनाया, वो चीजें हर चीज कैमरा पे नहीं दिखा सकते। मैंने ना इस पे बहुत वीडियोस भी बनाए, अभी रिसेंट हुआ था कि हमें मामी जी ने मतलब खाने पे डिनर पे बुलाया था, तो भाभी तो प्रेगनेंट है, बट मेरी उस दिन तबीयत थोड़ी खराब थी तो हम हेल्प करने नहीं जा पाए,
मतलब दिखा हेल्प करी भी होगी ना, तो मतलब कहीं ना कहीं लोग आप लोगों को छोटी छोटी बात से जज की वीडियो में ना कुछ बोलना ही है, क्यों ऐसे दिखाना है। अब फिर वो फेक नहीं हो जाता है कि 15 मिनट की वीडियो में आप कच्चे पकड़ के रहो किचन में, आप ये पकड़ के रहो किचन में, तो आप संस्कारी बहू हो, राइट। और हमेशा लड़कियां ही क्यों, देखो ये समझ नहीं आ रहा, लड़कियां ही क्यों, अगर ये हम अभी चेंज नहीं करेंगे ना कभी चेंज नहीं होगा ये लड़कियों के बारे में, कि लड़की तो किचन में ही अच्छी लगती है। नहीं ना, अगर मान लो चलो अब मामी जी की हेल्प, उनके दो बेटे थे वो कर रहे थे, वो अच्छा नहीं लगा कि दो बहुएं सोफे पे बैठी है, सोफे पे ही बैठेंगे नीचे कौन और उन्होंने हमको इनवाइट किया था यार। मेरे को ऐसे लगता है हेल्प करनी चाहिए मेरे को ना, जब मैं किसी के घर जाती हूँ ना, मैं किचन में ना एक घंटा खड़ी रहूंगी, अगर मेरे को कोई हेल्प के लिए बोलेगा मैं दिल से करूंगी, बट समटाइम ऐसा हो जाता है ना कोई हेल्प के लिए ही नहीं बोलता, फिर आप ऐसे खड़े रहते करे क्या वहाँ पे, दूसरों की किचन में पता भी नहीं चलता। अपनी किचन में ना मैं कभी किसी को नहीं उठाती क्योंकि मुझे पता है मेरी किचन में कहाँ क्या है ना, और अगर मुझे लगता है मेरे को हेल्प की जरूरत है मैं बोल देती हूँ। मैं दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं जब जाऊँ एटलीस्ट दूसरों की किचन का हमें नहीं पता होता है कि यार बता दो हेल्प के लिए, अगर अगर फिर मना किया कि नहीं मैं नहीं करूंगी तो मैंने माना कि ठीक है, बट अब जो बुलाएगा वो होस्ट भी वही करेगा, वही करेगा। आप वहाँ किचन में खड़े हो ऐसे कोई काम भी नहीं मिल रहा है तो वो तो नहीं अच्छा लगता यार। मैं तो जस्ट फॉर कि भाई कुछ लोग जो कमेंट करेंगे उनके लिए खड़े रहो, सब मैं पता क्या अच्छा ध्रुव एक सेकंड ना, अंजना को ठीक बोला था कि अंजना बहुत बोलती है, अक्षय और अंजना बात बोलते हैं। अच्छा ध्रुव, आपको अंजना की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकियों से, जो शायद ही यूट्यूब पे ना दिखती हो लोगों को? ये बहुत टेंशन फ्री है, बहुत मस्त है, इसको कोई चिंता नहीं है दीन दुनिया की, इसको बस अपना मतलब इंजॉय करना, ये इसका मेन फोकस रहता है। जैसे कि होता ना कि कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है तो भाई बंदा एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, पर ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, इसको एकदम चिल रहेगी चीज़ें, एकदम आराम से। एक ही तो जिंदगी है, ऑलरेडी बहुत सुन चुकी है बचपन से लेकर अब, तो मैं चाहती हूँ जितनी तो बच्ची वो इसकी ना, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इस चीज़ की। हमें नहीं पता कि कल क्या है, मुझे ऐसा लगता है एक ज़िंदगी है, और सबसे अच्छा मुझे मेरी वाइब्स पता, बहुत डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड और हम्बल लोग मुझे बहुत पसंद है, मुझे ना बहुत एरोगेंट पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और जहाँ मुझे लगता है वाइब मैच नहीं हो रही कुछ ज़्यादा ही हो रहा है वहाँ मैं बैठती भी नहीं हूँ। मेरे को ऐसे लगता है ना यार आप ना इस दुनिया में आए हो ना, अच्छे से इंजॉय करो, खुश रहो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुश रहना है, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी वही है, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरे को ऐसा है कि आप खुश रहना, चाहे जो मर्जी बोलो मुझे, आग लगे सबको, मेरे को खुश रहना है। आपके साथ बात करके ना बहुत मज़ा आ रहा है, पर हमारे अपने क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं कि हाँ आगे भी बात करनी है, कुछ भी बात करनी है, पर सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली मुझे तो बहुत आ रहा है, आप लोगों को भी आ ही रहा होगा। ओके अच्छा, आपकी ध्रुव अगर आपसे पूछे हम कि आपने अभी अभी रिसेंटली आपने बिजनेस भी शुरू किया है सेब का? नहीं बिजनेस नहीं किया वो शुरू, हाँ मतलब जो भी था वो एक एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा हमने सर्च में हमारे को ऐसा आया कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस नहीं, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट था, उसमें मैं चाहता था जो हमारे सब्सक्राइबर्स है उनको फ्रेश एप्पल्स पहुंचे नॉन स्प्रेड गुठान वैली के। ओके, तो मैंने वैसे ही एक बार हम वहां पे थे गुठान में थे ना जो, और हम लाइव गए थे तो फिर हमने अनाउंसमेंट की थी कि हमको भाई ऐसे ऐसे करके करेंगे, तो काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस आया और लोग इतना ट्रस्ट एंड इतना विश्वास करते हैं हमारे पे, बिना मतलब सेब पहुंचे पेमेंट भेज दी मुझे। Okay. और सेब मतलब दो दो तीन तीन हफ्ते बाद जा रहा है। हाँ, तो अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है आपको। हाँ, तो मतलब मुझे इस चीज से क्या हुआ कि देखो मेरे को ना नई नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है, तो ये एक बिजनेस के लिए मैंने सोचा कि चलो जैसे MBA में होता है ना प्रैक्टिकल, तो ये मैंने प्रैक्टिकल किया कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, कैसे मैं डील करूंगा लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मैंने कोशिश करी कि पहले हमने सोचा था कि चंडीगढ़ के अंदर ही हम सेब प्रोवाइड करवाएंगे, ज़्यादा नहीं 20 पेटी का ही सेब मतलब ये किया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा किया मैंने, तो चंडीगढ़ के अंदर के। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर भी जाते हैं, तो मैंने पार्सल वाला सिस्टम किया, तो मैंने ज़्यादा नहीं 4 या 5 स्टेट्स में भेजा है और बाय एयर भेजा है मैंने, तो लकीली मतलब पहुँच तो गए सब तक अच्छे से। और नॉन स्प्रेड सेब तो आपको पता है कि बहुत ही अच्छा, लोग पसंद ही करते हैं ऑर्गेनिक जो हो। हाँ जी। और ऊपर से गुठान का है तब तो और स्वादिष्ट सेब, पहाड़ का सेब वैसे ही स्वादिष्ट होता है।
जो आपके फादर है वो कंफर्टेबल नहीं है. कंफर्टेबल, हाँ, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल बिकॉज मेरा भाई भी कंफर्टेबल नहीं है. बट मम्मी और अंगू का ऐसा होता है कि वो मोस्टली घर में होते हैं. एंड सेकेंडली मेरे फादर जॉब करते हैं तो वो बाहर होते हैं. जब भी हम जाते हैं ना तो उनकी एक्चुअली वो PWD डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो मैक्सिमम बाहर होते हैं. एंड अब नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं कंफर्टेबल है ना. बट स्टार्टिंग में वो आए हैं. बट नहीं है, मैं बहुत बार ये कमेंट भी आया है, मैंने बहुत बार रिप्लाई किया एंड लोगों ने ना अपने बहुत पॉइंट ऑफ व्यू दिया इसमें कि मे बी वो आप लोगों के साथ नहीं रहते हैं, मे बी उन्होंने दूसरी शादी कर ली है. है ना, तो ऐसा नहीं है, वो रहते हैं साथ में ही रहते हैं. बट ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल और बहुत बार हुआ भी है. और ये मेरे भाई ने मेरी को ये चीज़ बोली है कि अगर कोई नहीं है तो नहीं मत दिखाओ. जो कंफर्टेबल नहीं है वो नहीं. जब अब कई बार ऐसे होता है अंकु भी कंफर्टेबल नहीं होता, वो भी घर से निकल गया होता है, तो अब नहीं बोल सकते ना हम किसी को. अब हम व्लॉगर, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हम अब जबरदस्ती किसी को व्लॉग में नहीं ला सकते. ध्रुव के पापा है, उनको भी कई बार उनको भी हम कम ही दिखाते हैं. बट उनका ऐसे होता है कि हमारे पास फैमिली में पापा ही है तो पापा वो समझ गए हैं. बट मेरे पापा नहीं समझे वो चीज़. तो इस करके इसका यही है, ये मैंने पहले भी बोला है, मैं इन इस पॉडकास्ट में भी बोलना चाहूँगी, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हो कि मैं दूसरी शादी कर लिया, हमारे साथ नहीं रहते, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड फॉर श्योर आने वाले अपकमिंग ब्लॉग्स में मैं उनको दिखाऊँ ताकि ये क्लियर हो जाए. ओके. अच्छा ध्रुव, आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो यूट्यूब बनाते हैं और स्पेशली जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, आपको सब कुछ ही अपनी लाइफ का लोगों को पता लग रहा होता है, तो कभी इस बात से इरिटेशन नहीं होती यार सब कुछ ही पता है लोगों को, कुछ कुछ तो हो जो हमारा पर्सनल हो और हमारे पास हो? क्योंकि अब जैसे सवाल हमने आपसे पूछे हैं तो सारे कमेंट्स में होते हैं कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है. लोग, एक भी इंसान अगर आपकी लाइफ में इंटरप्ट करे तो बहुत परेशानी हो जाती है, और फिर यहाँ पे लोग ही लोग हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हो इसको? देखो, इसको मैनेज करने का कोई इतना मुश्किल नहीं है. बात यह है कि हम कंटेंट बनाते हैं अपने इंटरेस्ट से बनाते हैं, और लोग हमें अच्छा, क्योंकि अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, तो अच्छे लोगों के लिए ही हम कंटेंट बनाते हैं. बुरा ये है कि उनको वो सिचुएशन समझ नहीं आती, वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये सिचुएशन है और इस पर रिएक्ट करेंगे वो. पर हमें ये, हमें तो अपना काम से मतलब है ना. तो अगर हम कोई भी काम करें, नॉट व्लॉगिंग, कोई भी काम करें, हम डेडिकेटली करेंगे ना वो काम, तभी सक्सेस मिलेगी हमें, वरना नहीं मिलेगी. और रही बात कि हम, हमारा कुछ पर्सनल नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है. 15 मिनट के व्लॉग में, 20 मिनट के व्लॉग में ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद भी हम जिंदगी जीते हैं. और हमें पता है कंटेंट क्रिएटर का काम क्या है, आपको एंटरटेन करना, वो हम करते अच्छे से. हम हर, ज़रूरी थोड़ी कि अब कल को जैसे कुछ चोरी हो गई हमारे घर पे फॉर एग्जांपल, तो वो चोरी वाली चीज़ हम जाके बोलेंगे कि भाई ये हमारा इतना पैसा चोरी हो गया, वो हो गया, वो थोड़ी बताएंगे हम. हम इतना सा बोलेंगे घर पे चोरी हो गई. अच्छा, मतलब 15 मिनट के बाद भी लाइफ है, लाइफ है उसमें और हम सब बहुत कुछ अच्छी लाइफ है. अब हमारे कजन्स का गेट टुगेदर होता है, इतना कुछ होता है, तो वो तो दिखा दिया कि कजन्स ने आए डांस करा, उसके बाद भी तो हमने एंजॉय करा, क्या बातें करी, क्या लाइफ एक्सपीरियंस हमने शेयर करी, तो बहुत सारी चीज़. मतलब सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, और कहीं ना कहीं जो लोग जज भी करते हैं वो छोटी सी चीज़ से करते हैं, छोटी सी चीज़ के लिए जज करते हैं. और इसका एक, देखो हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ज़िंदगी में. तो प्रोज इसके ये भी है हमें कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता है या कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमें सजेशंस देते हैं, और वो इतने हेल्पफुल होते हैं ना वो सजेशन. सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, गूगल में सर्च करके भी नहीं मिलेंगे वो सजेशन. क्योंकि वो एक इंडिविजुअल बंदा आपसे कनेक्ट करता है. हम जितने भी सब्सक्राइबर से मिलते हैं वो मतलब ऐसा फील करते हैं कि वो तो हमें जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताएंगे, हाँ हमने वो देखा था कि इस ब्लॉग में ये हुआ था, वो हुआ था. तो प्रोज ये है, कॉन्स तो आपको पता ही, नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग, वो तो होती रहती है, हर काम में होती है ट्रोलिंग. तो ये ना, आप जितना ऊपर जाओगे आपको खींचने वाले बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मिलेंगे, पर आपको अपना प्रयास करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है और चढ़ते रहना है आगे. अच्छा, आगे क्या कुछ आने वाला है चैनल पे, जो ऐसे स्पेशली आपने सोचा हो कि हाँ इस पे हम कर रहे हैं, या थोड़ा सा आप रिवील करना चाहते हो? अभी तो ऐसा कुछ ऐसा खास है नहीं, कुछ नया देखो, हम प्रेगनेंसी का तो अभी कुछ है नहीं क्योंकि आगे यही आएगा. पर ये है कि ये मोस्ट फेवरेट ऑडियंस का, उन्होंने मतलब ज्योति का दीदी की शादी से ना अंजना को प्रेग्नेंट डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई
क्योंकि ये पहले बहुत पतली थी और अब देखोगे डिफरेंस तो बहुत चेंज हो चुकी है अंजना. तो इट्स नॉट वो मतलब अभी भी वो मुझे ये करते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि आई एम प्रेग्नेंट, बट ऐसा नहीं है. मतलब अब तो उन्होंने ना पापा के दिमाग में भी अभी हम ना एंजॉय करना चाहते हैं अपनी जिंदगी ना यार. बेसिकली हमारी शादी बहुत जल्द हो गई है और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इतने ना स्टेबल हो जाए लाइफ में. एंड मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में. तो ये नहीं है कि यार कभी भी अभी हमें हम एज अ कपल बहुत चीजें सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हैं. तो हम चाहते हैं जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए तब बच्चा है. राइट, बहुत ही अच्छा आंसर है आपका ये. अच्छा अब हम क्विक स्टार्ट करते हैं. थोड़े से क्वेश्चंस हो गए उसमें जिसमें कि आप छोटे छोटे आंसर्स देंगे. ठीक है, ठीक है. जब भी आप प्यार शब्द सुनते हैं पहले ध्रुव, तो आपको किसका चेहरा सबसे पहले नजर आता है और क्यों? मम्मी का. और क्योंकि वो ऐसे प्यार करते थे कि अगर मेरे बाल भी ख़राब है तेल नहीं लगाया तो तेल लगा. मतलब वो ना केयरिंग वाली जो चीज़ें होती है ना वो चीज़ बहुत मिस हो गई है मेरी ज़िंदगी में अब. कि तूने खाना खाया कि नहीं, तू ढंग से क्यों नहीं बैठता है, जैसे अपना पोस्चर होता है वो. मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं. ओके अंजना, जब आप सुनते हैं प्यार तो किसका चेहरा सबसे पहले? मम्मी. ओके अच्छा, जेलसी जब आप शब्द सुनते हैं ध्रुव, तो किसका चेहरा सबसे पहले नजर आता है और क्यों? जेलसी या नॉट अबाउट किसी पर्सन का ही आपको समझ है, जेलसी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे को तो आग दिखती है. आग लग गई है भाई. बड़ा यूनिक आंसर है ये. अच्छा आप भी ध्रुव, आपको दोस्त जब आपके सामने कोई शब्द बोलता है तो किसका चेहरा आपके पास सबसे पहले नजर आता है? मेरा फ्रेंड है हैदराबाद में, उजैर. क्योंकि उसके भी मतलब उसके मॉम के भी मतलब क्या किडनी प्रॉब्लम है. तो मेरे मॉम भी बीमार थे तो मतलब एक ऐसा फैक्टर है कि हम दोनों, ही इज़ अ मुस्लिम एंड मैं हिंदू, बट हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था. और मतलब इन्हें बहुत टेक केयर किया उसने हैदराबाद के अंदर ना, हर एक छोटी छोटी चीज़. जब हमने मतलब मेरी कॉलेज डिग्री हो गई तो हमने वहाँ पे अपने लिए रेंट के लिए लेना था तो उसमें पूरी हेल्प करवाई, फर्नीचर वगैरह के लिए पूरी हेल्प करी. इवन मम्मी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी किया है. मिला हुआ है मम्मी से. हाँ नहीं, थोड़ा सा हिमाचल के अंदर बहुत ये चीज़ें होती है, बट मैं ये बोलूँगा कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं. सिंपल सी बात है, आप कैसे हो उनके साथ वो मैटर करता है. अच्छा आपको अंजना, जब दोस्ती शब्द आता है, दोस्ती दो आई थिंक दोस्त किसका चेहरा सबसे पहले नजर आता है जो आपको लगता है कि दोस्त इसने मेरा बहुत साथ दिया है और यही मेरी दोस्त है एक्चुअली? वो दोस्त कोई भी हो सकता है. तो आई थिंक मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट तो मेरा हस्बैंड ही है. तो दोस्ती मेरा ही आता है और सेकंड मेरी मम्मा है, फिर बाकी दोस्त आएंगे. आई थिंक सबसे होना भी चाहिए आपका हस्बैंड या पेरेंट्स में से सबसे पहले आपका दोस्त वही होना चाहिए. होना बहुत जरूरी है, दोस्त होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आप अपनी बात शेयर कर सकें, है ना? तो बस यही था हमारा पॉडकास्ट. कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आकर? बहुत अच्छा, मजा आ गया. मतलब ऐसी इंटरेक्शन हुई है जिसमें हमने सारे इमोशंस फील कर लिए. मतलब इमोशनल भी देख लिया हमने, हैप्पीनेस भी देख ली, खुशी भी देख ली. मतलब बहुत अच्छा था, नाइस एक्सपीरियंस. कुछ पुरानी बातें भी हमने याद करी तो बहुत अच्छा था. पॉडकास्ट के अंदर शायद हम इतनी ही बात कर सकते हैं, पर हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं अभी भी जिसको हम चाहते हैं कि ये भी बात करें, इसके बारे में भी बात करें, वो भी बात करें. पर जितनी भी बात हुई हमें बहुत बहुत एंजॉय किया. सीरियसली हमने भी बहुत एंजॉय किया. थैंक यू सो मच आप पॉडकास्ट में आए. थैंक यू जी, थैंक यू आपने हमें बुलाया. थैंक यू. तो जी ये था आज का पॉडकास्ट जो हमने तो बड़ा ज़्यादा इन्जॉय किया है. और जब भी यूट्यूबर्स के साथ मैं पॉडकास्ट करती हूँ और ख़ासतौर पर जो कपल्स आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उसमें. हंसी खुशी इमोशंस, सारे इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं. और आज के पॉडकास्ट में हम थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हो गए, पर हमने बड़ा इन्जॉय किया आज के पॉडकास्ट को. अगर आपने भी इन्जॉय किया है और आप चाहते हैं आपके किसी खास यूट्यूबर को हम पॉडकास्ट में लेकर आए, तो आपने कमेंट बॉक्स जो है वो भर देना है उनके नाम से, ताकि हम कोशिश करें कि उनको भी यहाँ पर लाए और उनकी थोड़ी जो लाइफ आपको नहीं पता है उस बारे में बातचीत करें. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया है तो.